So ladies and gentlemen, I am moving on chapter number 1. Chart number 1.37. Are you ready? Let's debate. Everyone, come on. So guys, it is about automated business process. अरे क्या रे हौला हो गया क्या रे तू लंच ब्रेक मांग रहा है अरे कब खाता रे भाई को 4 बजे भी खाने को लगता था बेटा हर चैप्टर का इक्वल वेटेज होगा ऑसम रिवीजन पहले तो बताओ आपको रिवीजन में मजा आ रही क्या जल्दी बताओ फ्लो चार्ट बेटा बोला ना यूट्यूब से कर लेना लव यू फ्रॉम गुजरात थैंक यू सो मच सर अपने अपने शहरों का नाम बताओ कौन से शहर से आप बात कर रहे हो यू रॉक सर थैंक यू सो मच ऑसम एनर्जी अच्छी लगी लंच बेटा कर ले बैठे बैठे खा ले थोड़ा सा ज्यादा खा मत सो जाएगा हौला है क्या तू चलो ब्रेक ब्रेक नहीं दूंगा मैं चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा फिर ब्रेक दूंगा भूखा बहुत भूखा पैसा है बेटा ये बहुत भूखे लोग हैं ओके अच्छी बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हरियाणा से है गुवाहाटी हरियाणा अरे कहां से है वो तो बताओ जोधपुर गुड़गांव गुरुग्राम अलवर ओके बहुत बढ़िया चंडीगढ़ मुंबई मेरठ राजस्थान सोनीपत मुरादाबाद जामनगर उदयपुर दिल्ली बहुत अच्छी बात क्या बात है गया बिहार कहां कहां से पढ़ते हुए आ जाओ कभी इधर आमने सामने पढ़ेंगे लाइव जयपुर से वेरी वेरी लकी दैट यू आर टेकिंग सो मच एफर्ट्स थैंक यू विश्वनाथ गुजरात उड़ीसा जयपुर लगता है पूरा इंडिया पढ़ रहा है इस समय कर्नाटक देखो सब लोग कितना पढ़ रहे हैं और आप लोग खाने की बात कर रहे हैं हौला है क्या तू खाने खाता रहेगा फरीदाबाद देख कहां कहां से लोग पढ़ रहे हैं वापी कोटा राजस्थान नो ब्रेक बिल्कुल ब्रेक नहीं देंगे बेटा अभी तो पढ़ना है हमें बैंगलोर से भी लोग पढ़ रहे देखो भिलाई बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर बॉम्बे औरंगाबाद महाराष्ट्र मैं इस समय औरंगाबाद में ही हूँ ठीक है कर्नाटक गजब सर थैंक यू देहरादून बैंगलोर कोरबा कहाँ था यार हरियाणा कम ऑन बहुत मजा आ रहा है मजे कर रहे हैं देखो पढ़ाई जिस दिन बर्डन हो जाए ना तो फेल होने के संकेत चालू पढ़ाई बर्डन नहीं लगना पढ़ाई को मजे करना है पास और फेल किसने देखा साहब पढ़ाई तो मजे के लिए करेगा देख लेंगे जो होगा होगा आप आपके साइड से मजे करिए उसको आप पढ़ाई करना जब बार बार जिंदगी को समझ क्या लग गई मेरी क्या हो गया बर्बाद हो गया यू शुड एंजॉय द जर्नी ऑल्सो होगा देख लेंगे यार क्या उसमें जिंदगी में रखा गया है नेपाल कटनी एक ही जिंदगी मिली है जी लो उसको गोवा भिलाई लाहौर हौला है क्या तू बेटा उधर जाएगा वापस नहीं आएगा लाहौर से है चलो ठीक है पढ़ लेता बेलगाम दिल्ली बैंगलोर ऑसम पुणे से भी कोई बच्चा पढ़ रहा है नेपाल नागपुर बाबा का ढाबा दिल्ली वाह चलो चलो बस करो नौटंकी बाबा का ढाबा बोल रहा है जलगांव से है द बेस्ट ओके चलो भाई चलो चलो रे कितना चैट कर दिया आपने मिर्जापुर अरे हावले अरे मत देख सीरीज मिर्जापुर बेटा मिर्जापुर बोलना है बाकी अंदर का मत देखना सब गालियां तो मत ही देना उसकी धामपुर रानपुर शाहपुर उत्तराखंड बहुत अच्छी बात है चलो यार बस अभी मुझे नहीं पढ़ना अभी वुहान अरे हौला है क्या पुनीत बोल रहा मैं वुहान से हूं क्या बोलूं मैं ओके गाइस वेलकम बैक आर यू रेडी नाउ सो वी आर मूविंग ऑन चैप्टर नंबर 1 आने वाले 25 से 30 मिनट में चैप्टर को करेंगे खत्म एंड देन वी विल बी टेकिंग शॉर्ट ब्रेक उसके बाद में करेंगे चैप्टर नंबर 3 फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 आर यू रेडी नाउ कम ऑन सो गाइस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस दोस्तों इस चैप्टर में हमने लिखा है बिजनेस के सारे प्रोसेसेस को कर देंगे ऑटोमेट हमारी और नेशन ये बहुत सारे प्रोसेसेस से मिलकर सी एवरी बिजनेस हैज लॉट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस All the business processes when coming together, it will form a business. जैसे मैं कोई भी दुकान की बात कर रहा हूं, लेकिन let it be any store, let it be any medical store or anything, it includes a lot of processes, like you know, billing करना, sale करना,
मार्केटिंग करना, परचेसिंग करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना, उसके लिए आप डोंट यू थिंक उसकी आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे गाड़ियों की बात करें, गाड़ी को सेल करना, गाड़ी को आफ्टर सेल सर्विस देना, उसकी मार्केटिंग करना, उसकी स्पेस पार्ट को प्रोक्योर करना, हर कोई धंधे में बहुत सारी प्रोसेस होगी। जैसे मेरी अभी मैं बोल रहा हूं, इट्स अ बिजनेस प्रोसेस। आप एडमिशन लेते हो, बिजनेस प्रोसेस। मैं आपके लिए बुक प्रिंट करता हूं, बिजनेस प्रोसेस। मैं बुक भेजता हूं कुरियर से, बिजनेस प्रोसेस। मैं टैली अकाउंटिंग करता हूं, मैं टैक्स भरता हूं, ये भी बिजनेस प्रोसेस। तो हर कोई बिजनेस जो है ना, बहुत सारे बिजनेस प्रोसेस से बना होता है। पर इन सारे बिजनेस प्रोसेस को अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से आज भी करोगे दोस्तों, तो आप जीवन में आगे नहीं जाओगे। इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस, यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू लिस्ट डाउन ऑल द बिजनेस प्रोसेसेस, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कैसा मैं इनको और कंप्यूटर के सहारे अच्छे से कर सकता हूं। यू शुड ट्राई टू मेक इट ऑटोमेटेड। जितना बिजनेस के प्रोसेस का ऑटोमेशन होगा, उतना आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे जाएगी। देयर इज अ नीड ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको कंपटीशन में आगे जाना है, आपको बिजनेस को बहुत एक्सपांड करना है, आपको लगता है मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊं, अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जाओ, तो आपको आपके सारे बिजनेस के प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना होगा और उसको अंदर कंप्यूटर को घुसेड़ना होगा। जैसे अभी इस समय आई हैव ऑटोमेटेड द बिजनेस प्रोसेस ऑफ व्हाट टीचिंग। मैं एक बार पढ़ाता हूं, पहले बहुत बार पढ़ा रहा था, अब मैंने एक ही बार लेक्चर को रिकॉर्डिंग कर लिया और वही लेक्चर मैं सबको पेनड्राइव में दे रहा हूं। इसको क्या बोलता है, मैंने बिजनेस के प्रोसेस को ऑटोमेट कर लिया। पहले भाई और बहनों, लोग पहले ऐसे हाथों से बिल बनाया करते थे दोस्तों, अब बारकोड आ गया, बिजनेस का प्रोसेस। और पहले एक्सेल नहीं था, लोग हाथों से कैलकुलेट कर रहे थे, एक्सेल आ गया, बिजनेस की प्रोसेस कैलकुलेशन की। एटीएम आ गया, बताओ एटीएम से कौन सी प्रोसेस, विड्रॉल डिपॉजिट ऑटोमेट हो गया। ई कॉमर्स से आपका सेल्स ऑटोमेट हुआ, बिलिंग ऑटोमेट हुआ, आपका मार्केटिंग ऑटोमेट हो गया। पहले टोल बूथ में हाथों से पैसे दिया करते, आजकल कार से अपने आप ही पैसे डिडक्ट होते हैं। इसको क्या बोलेंगे, पूरा ऑटोमेट। आईआरसीटीसी, मेक माय ट्रिप, बुक माय शो, पहले यहां पे टिकट्स खरीदना ऑटोमेटेड नहीं था। वी यूज टू गो टू व्हाट, यू यूज टू गो टू द रेलवे स्टेशन एंड वी यूज टू बाय टिकट्स। आज ऐसा नहीं होगा, ऑटोमेटिकली पूरा बिजनेस का प्रोसेस ऑटोमेट हो रहा है। देवी और सज्जनो, जमाना बीपीए का, इसलिए बाजू में बीपीए दिया हुआ है। तो आप बताएंगे ये सारे बीपीए के एग्जाम्पल समझेगा, मैं इन बीपीए के क्या फायदे होंगे, क्यों तुम टाइम टाइम पे, मेरी एफिशिएंसी, मेरी विजिबिलिटी, मेरी रिलायबिलिटी बढ़ाती हो, इसलिए तुम कॉस्टली हो। क्यों तुम टाइम टाइम पे मेरी एफिशिएंसी, मेरी रिलायबिलिटी, मेरी विजिबिलिटी बढ़ाती हो, इसलिए तुम क्या हो, कॉस्टली हो। क्यों मतलब क्या, क्वालिटी। आपसे मेरा सवाल है कि जितने लोग ई कॉमर्स और एटीएम करके अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं ये लोग क्वालिटी और कंसिस्टेंसी काम। एटीएम में जाओगे, हर बार अगर वो पासवर्ड पूछना है तो वो हर बार पासवर्ड पूछेगा, एक बार पासवर्ड पूछेगा, ऐसा नहीं होगा किसको पूछा पासवर्ड और किसको नहीं पूछा, ऐसा नहीं होगा साहब, हर बार वो पास। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम सेविंग। एग्जाम्पल, आपको लगता नहीं एटीएम के वजह से टाइम सेव हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, आपको इतने दूर जाने, इसलिए बीपीए का फायदा लोगों का टाइम सेव होता है। बारकोड आने की वजह से आपको लगता नहीं फटाफट बिलिंग हो रही है। तीसरी बात, विजिबिलिटी। एग्जाम्पल ले लो, आपने कभी किसी ई कॉमर्स से परचेस किया, आजकल वहां पर ट्रैकिंग आईडी दिखता है, पूरा विजिबिलिटी है, कितने तारीख को डिस्पैच हुआ, कितने को शिपिंग हुआ, कब डिस्पैच हुआ, सारा कब हमें मिलने वाला, पूरा विजिबिलिटी बढ़ता है। क्या आपको पता है हमारे कम समय में ज्यादा काम हो रहा है, वन सेकेंड, बार कोड रीडर, रिलायबिलिटी। कैन यू रिलाय ऑन एटीएम, कैन यू रिलाय ऑन ई कॉमर्स। आपको मालूम है आप ई कॉमर्स के धंधे में खुद पर्सनली ना भी हो फिजिकली, फिर भी आपका ट्रांजैक्शन अपने अच्छे से होगा। swapnilpati.com पे एंड्राइव बेचता है, बुक्स बेचता है, मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है वहां पे गलत होने का स्कोप ही नहीं। ऑटोमेशन से आपका रिलायबिलिटी बढ़ता है। जाने आने का टाइम, आप दोस्तों बुक माई शो में, अगर मैं थिएटर में जाकर टिकट लाता, जाने आने में बहुत टाइम जाता, आज बुक माई शो पे क्लिक करता टिकट बाय होते, टर्न अराउंड, जाने आने का टाइम बच गया और लास्ट में कॉस्ट कम हो। बताओ अगर एटीएम नहीं होता तो आंटी की कॉस्ट, एटीएम नहीं होता तो दोस्तों बैंक के ब्रांचेस का रेंट, न जाने कितना लेबर कॉस्ट चला जाता। तो इसलिए बोलते हैं यहां पर रिड्यूस कॉस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आल्सो। या क्यों, क्यों मतलब क्या, क्वालिटी, तुम मतलब टाइम, टाइम हमारा कम होता है, दूसरा टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम, क्यों तुम टाइम टाइम पे, मेरी एफिशिएंसी। तो बीपीए से एफिशिएंसी, बस एफिशिएंसी बढ़ाती हो, रिलायबिलिटी भी बढ़ती है, और बोलो विजिबिलिटी, और इसलिए तुम कॉस्टली, उससे कॉस्ट कम हो जाती है।
तो क्यों तुम टाइम टाइम पे मेरी एफिशिएंसी रिलायबिलिटी विजिबिलिटी बढ़ाती हो, इसलिए तुम कॉस्टली इसका मेमोरी नहीं है। पर यहां पे लिखा है ऑब्जेक्टिव बीपीए, बीपीए लगाने से पहले मेक श्योर, एटीएम लगाने से पहले, ई कॉमर्स को लगाने से पहले, ये कोई भी टाइप का बीपीए नहीं, मैंने वर्चुअल क्लास करी है, पेंडर क्लास करी है, ये करने से पहले आई हैव टू मेक श्योर ये चार कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर चारों कंडीशन फुलफिल ना हो तो मैंने बीपीए नहीं। भाई और बहना आपको समझना होगा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, टाइमलीनेस। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, अरे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, क्या बोल रहे हैं सर आप? देखो भाई, अगर आप एटीएम लगा रहे हो, मेक श्योर उसका एक का डेटा किसी और को ना दिखना, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी होना जरूरी। इंटीग्रिटी, एक इंसान का जो डेटा ऑलरेडी है, नोबडी शुड बी एबल टू मेक एनी चेंजेस अनऑथराइज्डली, उसको बोला है चेंजेस। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, जब भी मैं एटीएम में जाऊं मुझे मेरा पैसा हमेशा मिले। और टाइमलीनेस मतलब अवेलेबिलिटी से समझता है, हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, पर टाइमलीनेस ऐसा होना चाहिए कि मैं एटीएम में गया, आया, गया, टाइम ले लेना, वो घूम रहा है, टाइम ले रहा है, दो दो घंटे एटीएम, ऐसा नहीं, टाइम पे तुरंत अभी लगेज। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, टाइमलीनेस। देखते हो सब लोग बोल रहे क्या नहीं बोल रहे मेरे सामने? अरे बोलो रे, बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक तो। हाँ भाई शिवम लाउटी, तुझे कुछ प्रॉब्लम है? हम चिल्लाएंगे, हम कुछ भी करेंगे, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? ओके, हम कुछ भी करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं यहां पे जनता पढ़े और हम जानते हैं उसको पढ़ाना कैसे। ओके, एग्जामिनेशन में पूछेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए, तो आंसर आएगा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, टाइमलीनेस। ओके, इंप्लीमेंटेशन ऑफ बीपीए, आपको जवाब देना है भाई और बहना, इंप्लीमेंटेशन ऑफ बीपीए। एग्जाम्पल, आप जानते हो आईसीआईसी बैंक की जो चंदा कोचर है, मेरी बचपन की दोस्त है, एक बार मेरे पास आई, रोने लगी। मैंने पूछा बहना हुआ क्या है? बोले मेरे साथ में बहुत गलत हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मैं किसी को मुंह दिखाने लायक। मैंने कहा कौन है वो? बोले वैसा कुछ नहीं है। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या? बोले आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे निकालने के लिए लोगों को तीन तीन घंटों के लिए, ये तब की बात है, 1995 की बात है, ना तब एटीएम था ना ऑनलाइन बैंकिंग, तब वो रोने लगी, बोलने लगी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे निकालने के लिए लोगों को तीन तीन घंटों के लिए लाइन में, ये कैसा, लोगों ने किस विश्वास से मेरी ऑर्गेनाइजेशन पर विश्वास रखा था और मैंने उनको क्या दिया? तो सबसे पहली बात मैंने कहा, डोंट वरी बेबी, विल गो फॉर बीपीए। तो सबसे पहले याद रखना, बीपीए कोई इंसान एवे नहीं करता जब तक कोई दर्द ना हो। इसलिए बोलते पॉइंट नंबर वन में आपको पता होना चाहिए आपका दर्द क्या है। अगर उसको दर्द पता हुआ तो पॉइंट नंबर टू में चेक करते कि सच में अगर ऑटोमेशन करना है तो आपके बैंकिंग के एमओए, एओए या रूल्स, बैंकिंग वो आपको अलाउ करते कि नहीं। अगर वो अलाउ करते हैं तो फिर एक काम करो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस के, आज हम लोग कैसा काम कर रहे हैं उसका पूरा डेटा लिख के निकालो। अगर आपको यही पता नहीं होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जैक्टली अभी काम कैसे करने का तरीका है, तो आप नया, जब तक पुरानी वाली का दर्द ना पता हो भाइयों भाई ना, आप नई वाली के बारे में क्या सोचोगे? पुरानी वाली का दर्द पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग नए सिस्टम में क्या होना चाहिए उसका डिटेल में जान सकते। इसे पॉइंट नंबर तीन में जानते हैं, आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा विड्रॉल होता है, कैसा डिपॉजिट, वो सारी चीजें यहां पे पता होने वाली, पता होना जरूरी है। आगे उसके बाद में एक बार पता तो आपको पता, पॉइंट नंबर चार में आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, आखिर मैं बीपीए क्यों कर रहा हूं, व्हाट एग्जैक्टली, तो मैं क्या चाहता हूं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहता हूं, कस्टमर को ये होना चाहिए, वो सब मुझे देखो। बीपीए करने से पहले आपको सीए कर रहे हो पहले पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्या है, अदरवाइज यू विल नॉट बी मोटिवेटेड। इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। पॉइंट नंबर पांच में, अब आपने सोच लिया कि चलो एक काम करते हैं, ये सब प्रॉब्लम नंबर वन में, जो पॉइंट नंबर वन में जो जो प्रॉब्लम आई थी, पॉइंट नंबर पांच में हम लोग क्या करते हैं, हम कंसल्टेंट को पूछ के उसका सॉल्यूशन ढूंढते और उससे पूछते उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। वो बोलेगा आपने एटीएम लगाना चाहिए, वो बोलेगा आपने ऑनलाइन बैंकिंग करना चाहिए, वो बोलेगा मोबाइल बैंकिंग। ये पांच नंबर में आपने समझा। छह नंबर में क्या किया, हमने देखा कि उन सबकी कॉस्ट कितनी लग रही है और उसके होने वाले, विल कंपेयर कॉस्ट विद व्हाट बेनिफिट्स, विल ट्राई टू चेक वेदर बेनिफिट्स आर हायर देन द कॉस्ट, और वो हायर लगते हैं तो विल रिपोर्ट टू व्हाट, टॉप मैनेजमेंट, और टॉप मैनेजमेंट इसको इंप्लीमेंट करवाएगी, डेवलप करवाएगी, मतलब तो डेवलप क्या होगा, एटीएम डेवलप होगा। पॉइंट नंबर छह और सात में, छह में जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा साथ में डेवलप नहीं करेंगे, और एक बार साथ में डेवलप हो विल नॉट बी इंप्लीमेंटिंग अनलेस इट इज टेस्टेड। समझ में आए? ओके, चलो एक बार बोल के बताएंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्रॉब्लम क्या है,
दूसरी बात, रूल्स आपको ऑटोमेट करने लिए अलाउ करते हैं आप। तीसरी बात, डॉक्यूमेंट्स, यू विल डॉक्यूमेंट द एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस। पॉइंट नंबर फोर, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। पॉइंट नंबर फाइव, यू विल ब्रिंग द कंसल्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस अवेलेबल। देन यू विल चेक व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड द कॉस्ट ऑफ दोज सॉल्यूशंस। एंड इफ यू सी द बेनिफिट्स आर हायर देन द कॉस्ट, यू विल ट्राई टू रिपोर्ट इट टू टॉप मैनेजमेंट, और टॉप मैनेजमेंट उसको डेवलप करेंगे, आठ में उसको टेस्टिंग करेंगे और बाद में उसको इंप्लीमेंट करेंगे। आई थिंक इट इज डन। याद रखना इसको बीपीए के इंप्लीमेंटेशन की स्टेज होते हैं। अब आपको याद रखना तीन प्रोसेसेस होते हैं। ऑसम, ऑपरेशनल सपोर्टिंग मैनेजमेंट, ऑसम, ऑपरेशनल सपोर्टिंग मैनेजमेंट, ऑसम, ऑपरेशनल सपोर्टिंग मैनेजमेंट, ऑसम। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में याद रखिए दोस्तों, तीन टाइप के प्रोसेस होगी। कोई भी ऐसा प्रोसेस विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद कस्टमर, ऑपरेशनल। कोई कोई चीज ऐसी होती है जो हम लोग करते हैं बट इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द कस्टमर, इट इज इनडायरेक्टली बेनिफिटिंग टू द कस्टमर, इज कॉल्ड एज व्हाट? सपोर्टिंग। एग्जांपल दे रहा हूं, आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी और थिएटर में या बॉक्स ऑफिस में जाके पूछो भैया मूवी का टाइम क्या है, ऑपरेशनल। पर वो मूवी का टाइम बताने वाला आदमी को इन्होंने पहले ट्रेनिंग दिया था कि लोगों से बात कैसे करें, उसको सपोर्टिंग कहते हैं। आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे क्लास के बाहर मुझसे डाउट पूछ रहे हो, ऑपरेशनल। आपने मेरे एम्प्लॉय को कॉल करके पूछा साहब बैच का टाइमिंग क्या, ऑपरेशनल। पर मैंने मेरे एम्प्लॉय को ट्रेन किया है, मैंने हायर ही ऐसे लोगों किया है जो समझदार है, जो हुशार है, तो मैंने अच्छे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी है, अच्छे एम्प्लॉय हायर किए, ऑल दैट इज नॉट ऑपरेशनल। ये कस्टमर को फायदा कर रहा है पर डायरेक्टली भले ही ना कर रहा हूं, मैं उनको जितना ट्रेन कर रहा हूं इनडायरेक्टली वही इस कस्टमर से अच्छे से बात करेंगे, इसको बोलते हैं सपोर्टिंग। और ये ऑपरेशनल और सपोर्टिंग के सारे काम अच्छे हो रहे कि नहीं हो रहे इसको चेक करने के लिए जो काम करते हैं उसको बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। एवरी एक्टिविटी मैनेजमेंट जो काम करता है, जो स्ट्रेटेजी, जैसे एग्जांपल आप बजटिंग कर रहे हो, यू आर डूइंग मर्जर्स एक्विजिशंस, यू आर कंट्रोलिंग ऑपरेशन सपोर्टिंग, आप बिजनेस के प्लान्स बना रहे हो, बिजनेस के गोल्स स्ट्रेटेजीज बना रहे हो, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेसेस। गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, विजन, मिशंस, ये सब बनाएंगे, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आल्सो। या ऑपरेशनल सपोर्टिंग मैनेजमेंट, ऑसम, ऑपरेशनल सपोर्टिंग मैनेजमेंट, ऑसम। सर आज के एसएमबी खत्म हुआ? हां जी आज एसएमबी होगा, पूरा के पूरा सिलेबस ठोक देंगे साहब। सर वो एसएम में भी इतना टाइम लगता? नहीं, एसएम पूरा, एसएम ओनली 3 आवर्स, एसएम वॉन्ट टेक लॉट ऑफ टाइम। सी एआईएस में एवरी चैप्टर विल टेक, यू नो इट टेक्स टाइम, एआईएस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ना, बट एसएम इट इज नॉट टाइम, ऑल्दो एसएम के चैप्टर 8 होंगे, इट डजंट टेक लॉट ऑफ टाइम। और बहुत मजा आएगा, ये लेक्चर आप अगले टाइम 1.5 1.75 के हिसाब से आप सुनते रहना, आपका इतना लेक्चर पड़ेगा ना थ्रू हो जाएंगे। बट ये मल्टीपल टाइम देख, सोचो आपको रिवीजन लेक्चर में इतना मजा रहा, मेन लेक्चर में हम लोग कितने मजे करते हैं। मेन लेक्चर में हम लोग सब डिटेल में देखते हैं, एक एक चीज लाइव पढ़ते हैं, लाइव एग्जांपल। आज ये तो सिर्फ रिवीजन, हम मान के चल रहे हैं आपको सब पता है, पर मेन क्लास में तो पूरा एक एक चीज के ऊपर हमने ये लाइव डेमोस दिखाया है, वो बहुत मजा आता है। पर अभी अभी आपका फोकस होना चाहिए कि मैं इसको मल्टीपल टाइम सुनो, मैं कभी ट्रैवलिंग कर रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं, मैं नहा रहा हूं, मैं टॉयलेट में हूं, तो मैंने इसका म्यूजिक लगा देना चाहिए। पैसिव टाइम पे आप रिवाइज करोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, इट इज बेनिफिशियल। मल्टीपल टाइम सुनना है आपको, है ना, आगे बढ़ेगा। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, हाँ बिल्कुल बेटा, ठोक देंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एग्जाम्पल दिमाग में घुसता है सारा, बिल्कुल सही गौरव, थैंक यू सो मच। श्रुति मिश्रा कानपुर से, आर्थ किचन बोल रहा है मेन क्लास तो गजब होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे जीवन में हमें जानना होगा व्हाट ऑल रिस्क वी कैन फेस। दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारे जीवन में व्हेन एवर वी गेट सक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन वी टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स, एंड आफ्टर टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स वी सी द सक्सेस। ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोग करियर के एक मुकाम पर, ऊंचाई पर पहुंचे और अचानक से एक भूकंप आ जाए, अचानक से अर्थक्वेक, अचानक से सुनामी आ जाए, अचानक से कोई चीज आए और हमें बर्बाद कर दे। कई सालों की मेहनत इसके पीछे साहब, ऐसे नहीं जाने देंगे। इससे एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जब से आप देखते 9/11 26/11 हुआ है, जब से यह सुनामी आया था जापान में, अब एक दो के दिमाग में बैठा है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे जाना है ना, ही हैज टू फोरकास्ट व्हाट ऑल रॉन्ग कैन हैपन विथ मी, कौन सी चीजें होगी जो मुझे बर्बाद कर सकती है। एग्जाम्पल अभी कोरोना आप देख रहे हो, अनएक्सपेक्टेड चीजों को भी आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा, क्या चीजें मेरे साथ गलत हो सकती है, और उन सबका प्री प्लान आपको करना होगा। एंड यू हैव टू मेक, यू हैव टू फोरकास्ट ऑल द रिस्क, यू हैव टू मेक प्लान फॉर ऑल द रिस्क, एंड यू हैव टू मेक प्रॉपर कंट्रोल्स अगेंस्ट दोस
प्रोजेक्टेड रिस्क। होने के बाद नहीं पछताएंगे साहब, होने के पहले आपको पता चाहिए मेरे साथ ना है क्या, उसको पेन डाउन करना है, लिखना है, और उसके लिए आज ही ऐसा प्लान करेंगे ताकि एक तो रिस्क को होने ना दे, और दूसरा हो भी गया तो हमारे पास इतना प्लान होगा कि हमारी वो जो क्या बोलते हैं, जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम का जो इंपैक्ट है वो कम से कम होना चाहिए। वरना दोस्तों एक चीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पूरा खत्म कर सकती है। इसलिए ईआरएम एंटरप्राइज, पूरा एंटरप्राइज का रिस्क का पहले प्रोजेक्ट करके उसके लिए प्लान करके आपने मैनेज करना चाहिए। इसलिए नाम दिया एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। आगे बढ़ना हो, अब चलो बात करते हैं भाई और बहना, ये ईआरपी नहीं ईआरएम है। कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम, सबसे पहली बात आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप एग्जांपल मुकेश जी जैसे जितने भी लोग जो अगर ईआर, उनका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। दे शुड क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवरीबॉडी शुड फील कि हमें अब ऑर्गेनाइजेशन को बचाना है। वो सारी चीजों को फोरकास्ट, हो सकता है देयर इज अ फाइनेंशियल क्राइसिस, हो सकता है वहां पर रिसेशन हो सकता है कोरोना, हो सकता है भूकंप, हो सकता है फायर, कुछ भी आप रिस्क को, पर यहां पे पहले आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लोगों को दिमाग आना चाहिए कि ऐसा कुछ करना है। दूसरी बात, एक बार उनको उनके बीच में अवेयरनेस है तो पॉइंट नंबर टू में क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे आखिर हम जीवन में कहां जाना चाहते हैं, व्हाट इज माय विजन, वेयर आई वांट टू बी, और फिर देखो उस ऑब्जेक्टिव को पाने के बीच में कौन सी चीजें हमें बैरियर बन सकती है। सिर्फ दुनिया की हर रिस्क का मुझे यहां पे नहीं करना, आई हैव टू आइडेंटिफाई वेयर आई वांट टू बी पॉइंट नंबर टू, उसको पाने के लिए कौन सी चीजें रुकावटें बन सकती है, वो है पॉइंट नंबर थ्री। एवरी रिस्क अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड विल नॉट बी माई रिस्क, आई हैव टू थिंक अबाउट ओनली दोस रिस्क विच इज कमिंग एज अ बैरियर टू अचीव पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री समझा, उन्हीं रिस्क को ढूंढना जो आपके सपनों के बीच में बाधाएं बन सकती हैं। पॉइंट नंबर तीन में आपने रिस्क ढूंढी, पॉइंट नंबर चार में आपने ढूंढा होगा फायर है, अर्थक्वेक है, इलेक्ट्रिक फेलियर है, कोरोना है, दुनिया की सारी चीज आपने ढूंढी। आप उस पर से ढूंढो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका एक्सपोजर क्या है, उनके बेसिस पे देखो इनमें से सबसे खतरनाक कौन सी है, उनको आपको जानने लिए रिस्क असेसमेंट करना हो, और जो खतरनाक साबित होती है सिर्फ उनके बारे में ही सोच लेना, उसको कहते हैं रिस्क रिस्पॉन्स। यानी कि आप सोचो उनसे, हम लोग अब रिस्क रिस्पॉन्स और कंट्रोल, ये रिस्क रिस्पॉन्स क्या है भाई, कि हम लोग कितना उनमें से टॉलरेट कर सकते, इट इज अबाउट टॉलरेंस। सपोज मैंने यहां पे 100 रिस्क ढूंढ निकाले तो मान लो 80 ऐसी रिस्क होंगी जो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, तो 20 रिस्क ऐसी जो मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, अगर हो गया तो मैं बर्बादी हो जाऊंगा, तो उन 20 रिस्क को ही कंट्रोल में लाना। उन एग्जांपल फायर, उस 20 रिस्क में तो फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म्स, ऐसी सारी चीजों को कंट्रोल लगाना पॉइंट नंबर 6 में। पर एक बार आपने कंट्रोल लगाया, इट हैज टू बी इन्फॉर्म टू ऑल द एम्प्लॉइज। अगर मान लो आपने फायर की बात, तो फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर्स, जितनी चीजें आपने लगाई है उसके बारे में सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आग लगेगी तो नहीं लोग क्या करेंगे लोग आपको देखेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर को देखेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर को देखेंगे, आपको देखेंगे, बहुत देर तक देखते रहेंगे, बाद में फायर एक्सटिंग्विशर लेके भाग जाएंगे। सो दोस्तों यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मेक एवरीबॉडी अवेयर हाउ टू यूज दिस थिंग्स, व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग पॉइंट नंबर 6 इफ नोबडी इज अवेयर अबाउट इट। यू हैव टू मेक एवरी पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल अंडरस्टैंड दैट कि ये कंट्रोल पॉइंट नंबर 6 में लगाया है, और पॉइंट नंबर 7 में सबको अवेलेबल करेंगे, पॉइंट नंबर 8 में चेक करेंगे कि सच में जो चीजें पॉइंट नंबर 6 में लगाई थी क्या वो सही काम कर रही है, are they working properly, if they are not working properly you have to take corrective measures। ye erm ka art aapko samajh mein aa raha hoga, bolo bhai ek bar bolenge fir se ek bar, art number 1 internal, aapne mahol banaya top level ne, number 2 objective, number 3 kaun se event yani ki yahan pe risk kaun se ho sakti hai, point number 4 mein risk analysis karo, assessment karo, 5 number mein risk ko check karo kaun si tolerate ho sakti hai, point number 6 mein control lagao, 7 mein aware karo, aur 8 mein monitoring karo। point number benefits of erm क्या लिखा है ये? इसमें एक मेमोरी टेक्निक हमने बनाई थी, हम आपको दिखाना चाहते हैं। लीड टू, कुछ तो लिखा था लीड टू, याद है आपको? आपको याद है? रिस्क एपेटाइट एंड ग्रोथ ऑफ रिस्क विल लीड टू मल्टीपल सरप्राइजेस एंड व्हाट, कैपिटल अपॉर्चुनिटीज। याद है आपको? मैं दिखाना चाहता हूं यहां से, इधर देखिए, रिस्क एपेटाइट एंड ग्रोथ ऑफ रिस्क विल लीड टू मल्टीपल सरप्राइज। दूसरी बात, ग्रोथ, हम उन्हीं रिस्क को रिस्क मानते जो हमारे ग्रोथ के आड़े आती है, हर चीज के लिए हमें परवाह नहीं है,
लास्ट में बताऊं क्या है, मल्टीपल क्या है? ये ERN करने से एक रिस्क से नहीं बचते, यू आर प्रोटेक्टिंग योर नेशन फ्रॉम मल्टीपल रिस्क. नेक्स्ट पॉइंट, सरप्राइज. आपके लिए अचानक से कोई शॉकिंग न्यूज नहीं आ सकती बिकॉज आपने सब रिस्क का पहले से प्लान किया. अचानक से अशुभ सरप्राइज नहीं आ सकता, अरे ये आ गया बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं होगा. आपके लिए कोई भी अशुभ सरप्राइज नहीं मिलेगा क्योंकि आपने सबके लिए पहले से ही प्लान कर दिया. सरप्राइज. कैपिटल, आपका पैसा उन्हीं जगह पे जाएगा, उन्हीं रिस्क को कंट्रोल करने में जाएगा. वाकई में जो ग्रोथ के आड़े आ रहे, आपका कैपिटल मैनेजमेंट, पैसों का फंड मैनेजमेंट उन्हीं जगह पे जाएगा जहां पे सच में जाना चाहिए था. और लास्ट में अपॉर्चुनिटीज. जो ऑर्गेनाइजेशन ERM कर लेती है ना, जैसे एग्जांपल फ्लिपकार्ट ने ERM किया और अमेज़न ने नहीं किया, और अमेज़न की वेबसाइट अचानक से किसी वायरस से बंद हो गई पर फ्लिपकार्ट की नहीं बंद हुई, तो अब क्या होगा? सारे कस्टमर अमेज़न से फ्लिपकार्ट पे आ जाए, तो फ्लिपकार्ट के लिए वो क्या बन जाएगी? एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी. ये समझ गया होगा आपको. रिस्क अपेटाइट एंड ग्रोथ ऑफ रास विल लीड टू मल्टीपल सरप्राइज एंड कैपिटल. तो आप सभी को समझ गया, रिस्क अपेटाइट, अपेटाइट मतलब अपेटाइट, ग्रोथ के जो बीच में आते हैं उसको भी बचाते हैं, मल्टीपल हर किसी रिस्क को हम लोग बचाते हैं, सरप्राइज आपको मिलेंगे नहीं, कैपिटल आपका रैशनलाइजेशन का बराबर जाएगा जिस जगह जाना है, और अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलेगी आगे बढ़ना होगा. ये पेज में से एक क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में आने ही वाला है. ये क्वेश्चन एक तभी यहां पे इसमें से क्वेश्चन आने ही वाला है. कॉन्सेंट्रेट करिएगा, आगे बढ़ना होगा. अब बात करेंगे भाई और बहना आप सभी से बिजनेस टाइप. सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करें. टाइप्स ऑफ रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड व्हाट. पानी पी सकते हैं, आपको भी बिना ओके, लेट्स टॉक गाइस, कम ऑन. सबसे पहले मैं बात करता हूं रिस्क और उसके बाद में कंट्रोल्स. इन दोनों शब्दों में कनेक्शन है. अगर दुनिया में रिस्क ही नहीं होते तो कंट्रोल, दुनिया में वायरस ही नहीं होते तो एंटीवायरस ही नहीं होता, दुनिया में कोविड ही ना होता तो कोविड की वैक्सीनेशन ना होती. कोविड क्या है? रिस्क है, कंट्रोल है. कोविड एक रिस्क है और हम सब लोग उसके कंट्रोल को ढूंढने, 11 मुल्कों की पुलिस कंट्रोल को ढूंढ रही है बच्चों, पर कंट्रोल है कि सामने ही नहीं आ रहा. कभी कभी रिस्क दिखती है पर कंट्रोल नहीं, नजर ही नहीं आता. दूर दूर तक अब तक वैक्सीन का कोई नाम नहीं. कंट्रोल्स आर इंपॉर्टेंट सर. हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट रिस्क को लगाते हैं कंट्रोल को? बेवकूफ, ऐसे सवाल पूछता है नालायक. हम लोग ना रिस्क को लगाते हैं ना कंट्रोल को, फिर हम लोग करते क्या? हम लोग कंट्रोल्स को चेक करते हैं. वी आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट. हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन जाके एंटीवायरस लगाने वाला काम नहीं. हम लोगों को यही समझा गया तुमने, हम लोग कौन रहे? चार्टर्ड अकाउंटेंट है हम लोग. हम लोग ऑर्गेनाइजेशन जाके एंटीवायरस लगाए, हम फायरवॉल लगाए, हम पास, हम लोग को ना पासवर्ड लगाएंगे ना फायरवॉल. लोगों ने पासवर्ड लगाया कि नहीं, लोगों ने फायरवॉल लगाया कि नहीं, हम उसको चेक करेंगे. हमारा काम, हम ऑडिटर है, हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑडिटर है. सर ये क्यों समझा जाता है? अगर आपको कंट्रोल ही नहीं मालूम तो आप कंट्रोल चेक के, अगर आपको एंटीवायरस और फायरवॉल ही नहीं मालूम तो आप क्या चेक करोगे साहब? इसीलिए आपको कंट्रोल्स पता होना बेहद जरूरी है. दुनिया में तीन टाइप, एक तो मैनुअल, एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड, एग्जांपल ऑटोमेटेड, यानी कि एग्जांपल वेबसाइट पे जगोगे तो अपने आप ही आपको आईडी पासवर्ड पूछ लेता है, और कभी कभी सेमी ऑटोमेटेड. कुछ कुछ चीजें वहां पे मैनुअल होती है और कुछ चीजें ऑटोमेटेड. जैसे आपने देखा किसी मॉल में और एक एम्प्लॉय भी खड़ा रहता है जो चेक करता है बिल में, ठप्पा मारता है और वो बजर भी बजता है, वो सेमी ऑटोमेटेड. अगर आपने बिलिंग नहीं किया तो वो बजता भी और आदमी भी, तो वो पूरा ऑटोमेटेड भी नहीं और पूरा मैनुअल, वो सेमी है. तो दुनिया में तीन टाइप के कंट्रोल, एक सिक्योरिटी गार्ड मैनुअल, बैंक की वेबसाइट पे जाए 100% ऑटोमेटेड, और कभी मॉल में जाइए आप, वो सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, वो बजर भी बजता है वहां पे, अगर आपने पे नहीं किया तो उसको सेमी ऑटोमेटेड बोलते हैं. एक सवाल मैं पूछूंगा दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल? आदित्य त्रिवेदी, आपको जो भी मुझसे प्रॉब्लम है आपने यहां पर बतंगड़ नहीं बनाना बेटा. आपको हो सकता है, देखो हर एक के घर में, आपको पता है अभी मैं किस हालात में लेक्चर ले रहा हूं. मेरे घर में कोविड के पेशेंट्स है और मैं लेक्चर ले रहा हूं, तो आपने क्वेरी भेजी है, वो सॉल्व हुई नहीं हुई, इसके पीछे क्या होता है ना बेटा, हम जो टीचर्स भी ना, हमारे जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. मेरे घर पे कोविड के पेशेंट्स हुए, मैंने कल लेक्चर उसी कारण नहीं लिया था. तो आपको पता होना चाहिए कब क्या पूछना है. आप अभी यहां पे बजा रहे हो, अब बार बार बताने की कोशिश करोगे आपने बहुत महान काम किया है. आपको क्या लगता है सबके जीवन में सारी चीजें बहुत आराम से होती है? हर एक की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम होती है ना. अभी कभी किसी दिन आपने भेजा होगा तो रिप्लाई नहीं मिला होगा, तो उसके लिए इतना बतंगड़ बनाने की जरूरत क्या? आप वापस भेज दो, मैं करवा दूंगा, ठीक है ना. तो प्लीज अंडरस्टैंड, अभी लाइफ में बहुत सारी सबके प्रॉब्लम चल रही है, अभी प्लीज ज्यादा
आप उसका ये मत करिएगा, सबके जीवन में बहुत ही उथल पुथल चल रहा है। ओके हाँ, आज ऐसे में होगा पक्की बात है। ओके यस, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, पर मेरे घर में कोविड के पेशेंट्स है, वो हॉस्पिटल में है, मैं यहां लेक्चर ले रहा हूं, अंडरस्टैंड करो यार मेरा, मैं किस लेवल पे, वो हॉस्पिटल में मैं यहां बैठा हूं, है ना? तो आई नीड योर कोऑपरेशन, कम ऑन गाइस। ओके कम ऑन गाइस। ओके ओके लेट्स डू इट गाइस, कम ऑन। ओके अभी मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल मतलब ये चीज है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर, आवाज कम करने बोलते, इंटरनल कंट्रोल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन शुड इंप्लीमेंट सच पॉलिसीज एंड सच प्रोसीजर्स सच मैकेनिज्म दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेक होल्डर शुड बी अचीव्ड। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऐसे, थैंक यू सो मच, जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि वी आर विथ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। आज ईएस हम दोनों खत्म करेंगे फिर देखते हैं। ओके अभी मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल? इफ ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग, क्या है ऑर्गेनाइजेशन के पास है? ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन इज इंप्लीमेंटिंग सच काइंड ऑफ मैकेनिज्म, सच काइंड ऑफ पॉलिसीज, रूल्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे पॉलिसीज, ऐसे रूल्स, ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया है जिसकी वजह से सारे फ्रॉड, सारे एरर कम हो जाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कामयाब हो जाएगी ना, तो हम लोग कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग इंटरनल कंट्रोल। जैसे एग्जांपल, कोई थिएटर में जाओगे, आपका टिकट बाहर चेक करते, आपको अंदर वो बंदा बिठाने आता, ये क्या इंटरनल कंट्रोल है? जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन ना बैंक से पेमेंट करते तो आपको आजकल ओटीपी पूछता है, आपको ग्रिड पूछते हैं, ये क्या इंटरनल कंट्रोल है? आप किसी भी दुकान में, मॉल में जाओगे तो भारत सिक्योरिटी गार्ड पहले चेक करता है आपने पेमेंट किया कि नहीं किया, आपके आइटम्स को काउंट करते हैं, बिल के अंदर जितने बिल से वो जो आइटम है उसको काउंट करते हैं, ये क्या इंटरनल कंट्रोल है? बैंक के अंदर बहुत सारे लोग, एक अगर किसी बैंक का विड्रॉल करना तो एक बंदे के अंदर विड्रॉल करने का पावर नहीं है, चार पांच लोग से गुजरना पड़ता है जब जाके पैसे आते हैं, यानी वह सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल क्या है, ये बहुत सारे, इंटरनल कंट्रोल की व्याख्या छोटे नहीं, बहुत बहुत सारी चीजें इंटरनल कंट्रोल आती है, जैसे हम अपने लेक्चर्स को इनक्रिप्ट कराते, ये इंटरनल कंट्रोल है। इंटरनल कंट्रोल ये होता है कि हम जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब वो फिजिकल स्टॉक और एक्चुअल स्टॉक, क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टॉक और जो कंप्यूटर पे आता है स्टॉक काउंट करते हैं कि भाई जितना कंप्यूटर बोल रहा है एक्चुअल स्टॉक है, उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल जैसे आप कोई मान लो IRCTC में घूमते, वो TC आकर चेक करता है इसमें टिकट है क्या नहीं, ओके इंटरनल कंट्रोल है। तो बताओ बच्चों, ये इंटरनल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट हम लोग यहां क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आप ऑटोमेशन करने जा रहे हो, यू आर इंप्लीमेंटिंग लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेक श्योर कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ में इंटरनल कंट्रोल भी आपने लगाया। व्हाट इज द यूज ऑफ इंप्लीमेंटिंग ऑल द टेक्नोलॉजीज इफ द इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट इंप्लीमेंटेड? कंप्यूटर्स लगा के फायदा क्या, ERP लगा के फायदा क्या, ऑटोमेशन, IRCTC, मेक माई ट्रिप, बुक माई शो, या फिर कोई भी ERP सॉफ्टवेयर लगा के फायदा क्या, अगर उस जगह पे उसके डिजायर कंट्रोल्स, अब लोग लूट लेंगे साहब। ई-कॉमर्स लगा के फायदा क्या, भले ही ई-कॉमर्स से बहुत ऑटोमेशन हो रहा होगा, इंटरनल कंट्रोल जरूरी है। इसलिए इंटरनल कंट्रोल लगाने के लिए आप सभी ने कोसो नाम की ऑर्गेनाइजेशन, कोसो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने फ्रेमवर्क बनाया है, उनके हिसाब से दुनिया में कभी भी इंटरनल कंट्रोल करना तो 5 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल लगाने का एक एनवायरमेंट होना चाहिए, सारे किसी टॉप मैनेजमेंट को खबर होना चाहिए, उनकी चाहत होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए। एक बार उनकी चाहत होगी तो पॉइंट नंबर 2 में दे विल आइडेंटिफाई द रिस्क, और उन सारे रिस्क के लिए वो कंट्रोल लगाएंगे। पर कंट्रोल लगाने का क्या फायदा अगर कंट्रोल, जो आपने फायर एक्सटिंग्विशर लगा दिया, आपने पासवर्ड लगा दिया, कुछ भी लगाया होगा, उसके बारे में सबको इंफॉर्मेशन अवेयरनेस होना जरूरी है। एंड इफ इट इज डन, इफ इट इज डन, देयर शुड बी प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ दोस कंट्रोल्स।
There are 5 points. Number one, control environment. Number two, identifying what? Risk. Number three, controls. Number four, information. And number five, monitoring. I think ये समझ गए। इसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स। याद रखना कंपोनेंट्स, ओके? पर इसमें क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहली बात ही इंटरनल कंट्रोल। जैसे मान लो आप बोल रहे कि ये एक काम करो, कंट्रोल लगा दो, सेग्रेशन ऑफ ड्यूटीज कर दो, हर काम के लिए हर एक काम 10 लोगों में बांट दो, या फिर एक काम करो बहुत सारे सीसीटीवी लगा दो, या फिर आप बोलेंगे कि एक बंदे एक काम चेक करने के लिए दूसरा बंदा लगा दो। ये जब भी आप इसकी बात करते हो ना, सबसे पहले याद रखो इंटरनल कंट्रोल यानी कि इट बिकम्स वेरी कॉस्टली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका कॉस्ट बहुत लगेगा, और इसमें वही कंट्रोल लगाए जाते हैं जिसके 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 जो यूजुअल नेचर का आपका थ्रेट होगा। कोई भी अनयूजुअल नेचर कोरोना जैसा थ्रेट इंटरनल कंट्रोल में आ नहीं सकता। कई ऑर्गेनाइजेशन कोरोना के वजह से बर्बाद हो गए साहब, बिकॉज दे वर हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल बट दे कुड नॉट प्रेडिक्ट द थ्रेट ऑफ कोरोना, and that is why internal control became failed. So internal control का limitation है, वो सिर्फ उन्हीं चीजों को रोक सकता है जो usual है, unusual से। और तीसरी बात यहाँ पे लगी, अब जरा देखो, मैंने theater में गया और मैंने theater में जो बंदा चेक करता उसको 10 रुपए दिला के, 20 रुपए देके, 50 रुपए देके मैंने सेट कर लिया, तो फिर इंटरनल कंट्रोल फेल है। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल तभी जल सकता है जब वहां पे कोल्यूजन ऑफ एम्प्लॉय और कस्टमर ना हो। एम्प्लॉयज अपनी रिस्पॉन्स, अब उसको टिकट का टिकट चेक करने रखा है गेट पे, वो आराम से टाइम पास कर रहा है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना करे, अगर वो कस्टमर साथ में कोल्यूजन कर ले, मिली भगत कर ले, तो उस केस में दोस्तों अगर मान लो आपका मैनेजमेंट ही फ्रॉड निकल जाए। एग्जाम्पल स्वप्निल पाटनी क्लासेस का होना, स्वप्निल पाटनी ही मान लो स्वप्निल पाटनी क्लासेस में गद्दार है, या फिर रामलिंग राजू जो सत्यम का वही फ्रॉड कर दे, तो उस केस में कुछ नहीं कर सकते। इंटरनल कंट्रोल फेल है साहब। इंटरनल कंट्रोल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैनेजमेंट ने फ्रॉड नहीं करना चाहिए, उसके एम्प्लॉय ने जिम्मेदारी करना चाहिए, उसके एम्प्लॉय कस्टमर से साथ में कोल्यूजन ना करे। हाँ, और इंटरनल कंट्रोल का दो प्रॉब्लम है, और ये तीन प्रॉब्लम तो एम्प्लॉय ओरिएंटेड थे, दो प्रॉब्लम है वो अनएक्सपेक्टेड चीजों को नहीं रोकता, और एक बात है इंटरनल कंट्रोल को सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लोगों को जान पाता है बिकॉज बहुत खर्चा लगता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, रिस्क की बात करेंगे। अब रिस्क की बात में देखो ये सारे क्या लिखे, बिजनेस रिस्क यहां पे, ये सारी रिस्क, और उसके बाद में एक चीज है और रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क टर्म्स, और ये भी लिखा है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। सबसे पहले करेंगे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस, कम ऑन। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आपको जवाब देना है, रिस्क को कम करने की हमारे पास कौन सी स्ट्रेटजी, आपको जवाब देना है। एक बार रिकॉल करें सब लोग, कैन यू ऑल प्लीज रिकॉल दिस, कैन यू ऑल प्लीज रिकॉल दिस। एक है सबसे पहली बात तो टॉलरेट, बर्दाश्त कर लो उस समय तक जब तक होगा। जैसे एग्जाम्पल डायबिटीज जिनको होती है, अगर उसकी डायबिटीज 140-150 तो वो इंसुलिन नहीं देंगे, बट इफ इट इज गोइंग बियॉन्ड दैट दे स्टार्ट गिविंग इंसुलिन, इसको द टॉलरेंस। ये सब ये एक इलाज है कि तब तक बर्दाश्त, तब तक कंट्रोल ना लगाओ जब तक वो बर्दाश्त हो रहा है। पॉइंट नंबर टू, टर्मिनेट, जिस चीज से डर लगता करो ही नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे स्काई डाइविंग से डर लगता है मुझे, मैं करता ही नहीं हूं। मुझे एक बार तो ऊपर लेके गया हो हेलीकॉप्टर में, वो बोले जंप करो, मतलब मुझे नहीं करना, वो बोले कर लो साहब आपने, मतलब पैसे का तेल लगाने, साहब इतने इतने दिख रहे लोग, इतनी इतनी बिल्डिंग दिख रही वहां से, वो बड़ा जंप कर दो, अरे क्यों जंप करूं मैं, वो बड़े सब मतलब पैसा का देखो और चाहिए तो और दूंगा, मतलब खबरदार अगर मुझे ढकेला तुमने, वो बड़ा सा मतलब नहीं करना मुझे, अरे क्यों करो, बोले एडवेंचर, मतलब एडवेंचर गया तेरा तेल लगाने साहब, नहीं करना मुझे, अरे साहब इतने ऊपर से फेंकता है नीचे और पैराशूट नहीं खुला तो, अरे भाई इतनी मेहनत से सीए किया मर जाओगे, मैं मर गया तो, बोले साल 1000 में एक दो लोगों के साथ, एक दो लोगों के साथ में ऐसा होता है। मैंने कहा मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ होने वाला है, मतलब स्काई डाइविंग मुझे नहीं करना, इसको क्या बोलते हैं टर्मिनेट। पर कुछ लोग हैं शौकीन हैं, वो पॉइंट नंबर चार करते हैं, स्काई डाइविंग करेंगे और साथ में अच्छे पैराशूट लगाएंगे, वो रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं। मैं पॉइंट बी वाला हूं, मैं डी वाला नहीं, नहीं करना साहब, ऐसे शौक नहीं पालता हूं मैं, शौक शौक से गया था मुझे लगा हो जाएगा, वो इतने ऊपर गए साहब क्या बोले, मैंने कहा इतना ही देखने का शौक है, मैं फ्लाइट में बैठ जाऊंगा वहां से वैसा ही दिखता जी नहीं ओके ओके आई अंडरस्टैंड ओके। पॉइंट नंबर सी, ट्रांसफर की बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर,
ट्रांसफर की बात करेंगे, इंश्योरेंस ले लो, खत्म हो गई बात। बहुत सारे लोग करते हैं इंश्योरेंस लेके रखते हैं, इंश्योरेंस से तो आसानी से आपका रिस्क ट्रांसफर, लास्ट में क्या टर्न बैक, उन चीजों के बारे में सोचो ही नहीं। टर्न बैक मतलब आप डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, फॉरगेट, लेट इट बी, कुछ भी हो जाने दो, टर्न बैक। टर्न बैक समझ रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्न बैक? जैसे कोई एग्जाम मतलब उसके अंदर सोचे, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, जो होगा देख लेंगे, बोलते ना भगवान है मैनेज करे, और हुआ तो देख लेंगे, यू डोंट डू एनीथिंग फॉर इट। तो बता पांच कौन से स्ट्रेटेजी है, कम ऑन, टॉलरेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉलरेट, कितना आप टॉलरेट कर सकते हो। नंबर टू, टर्मिनेट का मतलब क्या हो रहा है, टर्मिनेट मतलब उसको छोड़ दो, एलिमिनेट कर दो, उसको करो मत, स्काई डाइविंग करो मत। तीसरी बात इंश्योरेंस ले, चौथी बात जैसे आपने कोई चीज कर रहे होंगे आप, इंटरनेट यूज ही मत करो, पॉइंट नंबर टू, इंटरनेट यूज करो तो एंटीवायरस लगाओ, पॉइंट नंबर चार, टर्न बैक, अर्थक्वेक हो रहा है ना, टर्न बैक। बहुत सारे सीए फर्म्स अर्थक्वेक के बारे में कुछ करते ही नहीं, टर्न बैक। आई थिंक आपको समझ गया, आगे बढ़ेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिलेटेड टर्म्स आगे देखते हैं, कौन सी चीजों को रिस्क मैनेजमेंट एंड रिलेटेड टर्म्स को, यहां पे ये क्वेश्चन ये बिल्कुल अमेंडेड है, आप सभी समझे, जो भी कर रहे हैं वो अमेंडेड है। व्हाट इज द, देखो वल्नरेबिलिटी, थ्रेट और एक्सपोजर, इन तीनों में कनेक्शन है। मेरे पास में मेरा जो दरवाजा खुला है, ये वल्नरेबिलिटी, वीकनेस। अब वहां पे चोटे लोग अंदर घुस गए, थ्रेट, उन्होंने आके मेरा लैपटॉप चुराया, एक्सपोजर। तो देयर इज नो वीकनेस इफ देयर इज नो वल्नरेबिलिटी, देयर इज नो थ्रेट, इफ देयर इज नो थ्रेट देयर विल नॉट बी एन एक्सपोजर। समझ गया आप? तो वो एक होता है वल्नरेबिलिटी, एक होता है वल्नरेबिलिटी होगी तो थ्रेट होगा, और थ्रेट होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोजर, एक्सटेंट ऑफ लॉस। तो कोई कभी भी चोर छोटा आदमी अंदर घुस गया, उसने कुछ चुराया नहीं, तो इसका मतलब थ्रेट हुआ है, एक्सपोजर। कभी कभी होता है वल्नरेबिलिटी, रात भर दरवाजा खुला था, कोई आया नहीं, इसका मतलब वल्नरेबिलिटी थी पर थ्रेट नहीं हो, थ्रेट नहीं होता एक्सपोजर नहीं होगा, ये समझ ले। उसके बाद एक लाइकलीहुड, बच्चों कोई भी रिस्क को आइडेंटिफाई जब करते हैं ना, वो हर रिस्क को बचाना जरूरी नहीं, हम उसी रिस्क को बचाते हैं। जैसे आप बीकॉम भी करते हो, आप सीए भी करते हो, पर आपने देखा है कि सीए में फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और सीए के फेल होने का इंपैक्ट ज्यादा है, उसी को बचाए जिसका लाइकलीहुड यानी कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिसका एक्सपोजर यानी कि होने का नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इसलिए ये दोनों टर्म, एक्सपोजर एंड लाइकलीहुड आर इंपॉर्टेंट, एक्सपोजर्स एंड लाइकलीहुड्स आर इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द लेवल ऑफ रिस्क, टू डिसाइड द प्रायोरिटीज ऑफ रिस्क। हम उन रिस्क को नहीं बचाते जिनकी प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड हो, मैंने 100 रिस्क निकाले उसमें से 20 कैसे ढूंढूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोजर एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट लाइकलीहुड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटैक, मैंने सिक्योरिटी गार्ड लगाए थे, किसी ने आके सिक्योरिटी गार्ड को ठोक दिया और अंदर आए, उसको बोलते अटैक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेट एंड अटैक, थ्रेट में मेरे पास कोई था ही नहीं, अंदर घुस गया थ्रेट, मेरे पास लोग थे, मेरे सिक्योरिटी को पराभूत करके, पराजय करके, इफ एनीबडी इज ट्राइंग टू डिफीट माय सिक्योरिटी एंड कमिंग इनसाइड, इट्स कॉल्ड एज अटैक। मेरे कॉन्फिडेंशियलिटी, मेरे इंटीग्रिटी, मेरे अवेलेबिलिटी को चिथड़ा छूट करके कोई अंदर घुसे तो मैं कहूंगा अटैक। अटैक तब मानते जब हमारे सिक्योरिटी को किसी ने तोड़ के अंदर घुसा है। मेरे पास में वायरस था और मैंने उसके लिए एंटीवायरस लगा दिया, काउंटर मेजर। काउंटर मेजर यानी कि रिस्क को देख के अगर उसके लिए कुछ करते उसको बोलते काउंटर मेजर। मेरे पास कुछ भी था उसके लिए आगे जो मैंने कुछ लगाया, एग्जाम्पल मेरे पास लगता अनऑथराइज एक्सेस था, मैंने पासवर्ड लगा दिया, काउंटर मेजर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट, एसेट के लिए देखो मेरा लैपटॉप मेरा एसेट कैसे है, एसेट होने के लिए तीन चीज, एक तो वो चीज के बगैर मेरी जिंदगी बर्बाद है, उसको चीज को पाने के लिए मुझे बहुत सारा पैसा लगेगा, समझ गए, बताओ। एक तो उसकी पहली बात तो क्या है, उसकी वैल्यू है, लैपटॉप की वैल्यू है। दूसरी बात, जाएगा तो मुझे दर्द होगा, और तीसरी बात उसको लाने के लिए मुझे टाइम स्किल सब कुछ लगेगा। ये तीनों में से तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम उसको एसेट मानते। सर ये क्यों जानना जरूरी, एसेट क्या है, हम उसी का रिस्क कंट्रोल करेंगे जो एसेट होती है। जो कोई वाहियात मेरे स्क्रैप में लैपटॉप पड़ा है, ना वो वैल्यूएबल है, ना उसके जाने से मुझे दर्द होगा, ना ऐसे वापस लाने के लिए पैसे लेंगे, तो ऐसी चीजों को एसेट नहीं मानेंगे, उसको बचाऊंगा भी नहीं। जो एसेट होता है ना उसी का ही रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, समझ में आ रहा है? ओके, आगे बोलेंगे आगे। उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को आइडेंटिफाई करो, और आइडेंटिफाई करने के बाद में
उसके रिस्क को कम करो, उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट. टू थिंग्स आर इंक्लूडेड इन रिस्क मैनेजमेंट. नंबर वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड नंबर टू इज व्हाट, मिटिगेशन. द टू थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन व्हाट, रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफाई करने में उसको असिस्ट करते हैं कि उसमें कौन सी चीज खतरनाक है, और जो चीज खतरनाक दिखती है उसको आप मिटिगेट करते हो. तो बताएंगे तीन बातें कौन सी, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड मिटिगेशन. इन तीन चीजों को मिला कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट. ये सारी चीजें जो है ना, ये जो चीजें है ये और ये सब कुछ जो है ये अमेंडमेंट है. याद रखे ये अमेंडमेंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस ज्यादा है. अब बिजनेस रिस्क छह टाइप की होती है. एक तो स्ट्रेटेजिक रिस्क. एग्जाम्पल, जियो ने लॉन्च कर दिया और जियो ने जो ऑफर्स लाया उसके से आइडिया की लग गई, इसको स्ट्रेटेजिक रिस्क बोलते हैं. फाइनेंशियल रिस्क इसको बोलते हैं. कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एग्जाम्पल जेट एयरवेज की बात कर, कोई भी ऐसा आपने गलत कदम उठा जो फाइनेंस के दृष्टिकोण से, एग्जाम्पल लेंगे किंगफिशर, ये सब फाइनेंशियल रिस्क है. जिन्होंने, जिनका फाइनेंशियल बर्बाद हो जाते उसको फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं. रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क, कभी कभी आपके हाथों कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है जो लॉफुल. एग्जाम्पल देता हूं, मैं ऐसी जगह पे दारू बनाता हूं जिस जगह पे दारू अलाउड नहीं, इसको बोलते हैं. एग्जाम्पल, गुजरात में दारू मैन्युफैक्चरिंग अलाउड नहीं, आप वहां बना रहे हो, यह है रेगुलेटरी रिस्क. या ऐसी जगह पे आप बेटिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हो जहां पे अलाउड नहीं, इसको बोलते हैं रेगुलेटरी रिस्क. ऑपरेशनल रिस्क, अभी मैं लेक्चर ले रहा हूं अचानक से बिजली चले गई, ऑपरेशनल रिस्क. हजार रिस्क और एक ही रेसिडुअल रिस्क. हमारे रेसिडुअल की बात करते हैं, हमारे सारे रिस्क का सारा कंट्रोल लगाने के बावजूद, सारे कंट्रोल लगाने के बावजूद भी कुछ रिस्क बन जाए, उसको रेसिडुअल रिस्क बोलते हैं. हजार रिस्क किसको बोलते हैं, हजार ऐसा कोई रिस्क जो नहीं क्या नेचुरल कैलेमिटी से बन रहा है, अर्थक्वेक ले लो, उनको हजार रिस्क बोलते हैं. आई होप इट इज ओवर. ओके चलो आए एक बार, इसका मेमोरी था ओ हम सफर, राइट, बिल्कुल सही बोल रहे, ओ हम सफर इसका मेमोरी था, पर कोई बात नहीं, याद रखिए. ओ मतलब क्या बोला है, ऑपरेशनल. एच फॉर व्हाट, हजार रिस्क. ए फॉर कुछ नहीं, एम फॉर कुछ नहीं, एस फॉर स्ट्रेटेजिक रिस्क, एफ फॉर व्हाट, फाइनेंशियल, ए फॉर कुछ नहीं, आर फॉर, आर फॉर रेसिडुअल रिस्क, रेसिडुअल रेगुलेटरी, बराबर. ओ हम सफर है इसका मतलब है. ओके समझ गए, एक बार बता दिया मुझे आप वापस से, ऐसी कौन सी रिस्क है जो सारे कंट्रोल लगाने के बावजूद भी बच जाती है. अगर एक सवाल है आपसे, मैं लेक्चर ले रहा हूं बिजली चले गई इंटरनेट बंद हुआ, ऑपरेशनल रिस्क. मेरे कॉम्पिटिटर्स ने, मैं आईडिया और जियो ने कुछ कर दिया, ऐसा स्ट्रेटेजी में बर्बाद हो गया, स्ट्रेटेजिक रिस्क. मैं किंगफिशर हूं, फाइनेंशियल रिस्क. अब 26/11/9/11 जो हुआ, हजार्ड रिस्क. आपसे पूछेंगे अगर मैंने ऐसा कोई बिजनेस कर दिया जिसके से मुझे फाइन लग गया बहुत बड़ा, गवर्नमेंट ने फाइन ठोक दिया मेरे को, रेगुलेटरी रिस्क. ये सारी चीजें अब खत्म हो गई है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पेज था, इट इज ओवर नाउ. ओके 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 राइट, डन है, आगे बढ़े. अभी रिस्क, अभी आई थिंक ये चैप्टर इज ऑलमोस्ट इज गेटिंग ओवर, डोंट वरी. ये चैप्टर में बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही कम समय में आपने चैप्टर कर, ये जो पेज है वो तो बहुत ही ईजी है. आई थिंक इट विल नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स. मैं ये शायद से ओके स्टार्ट करें, ये अभी चालू करें या नहीं करें, आगे बढ़े. बस थोड़ा सा ही बचा, आई डोंट थिंक इसको 10-15 मिनट से ज्यादा लगना चाहिए. 10 मिनट में दिस चैप्टर विल बी ओवर, देन वी विल बी मूविंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. ओके कम ऑन गाइस. टॉलरेट और एपेटाइट का मतलब एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का मतलब एक ही है, एक ही है, एक ही है. ओके दोस्तों, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस की बात करेंगे. उसमें लिखा है रिस्क एंड कंट्रोल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस. ओके डन, रिस्क एंड कंट्रोल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस. व्हाट डज इट मीन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी प्रोसेसेस है उन सारे प्रोसेस को रिस्क, उस सारे प्रोसेस का रिस्क देखो और उन सारे प्रोसेस का कंट्रोल देखो. सर क्यों करते हैं हम लोग ये, इसीलिए करते हैं कि हर कोई प्रोसेस का देखो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोसेस से मिलकर बनती है, उनके अंदर की रिस्क ढूंढना जरूरी है कि उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है और उनके सभी के उचित कंट्रोल लगाना बेहद जरूरी है. आप जरा देखिए हमारे ये सारे बहुत सारे प्रोसेसेस है. सबसे पहले देखते हैं फिक्स्ड असेट. अब सभी के स्टेप्स पहले समझते हैं और आपको मतलब पता था कि इसके लिखने का एक तरीका है, आपको बताएंगे. बोलो क्या तरीका है. ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
पहले उसका स्टेप्स लिखते हैं। ओहो हो क्या हो गया जी, एक स्टेप्स, दूसरी बात फिर हम लोग देखते हैं रिस्क एंड कंट्रोल का डिफरेंस क्या है, फिर तीसरी बात हम लोग करते हैं मास्टर और नॉन मास्टर का डिफरेंस देखते हैं, चौथी बात, अब ये तीन स्टेप तो हो गए, चौथी बात हम लोग क्या करते हैं मास्टर के दो बच्चे बनाते हैं, मास्टर का रिस्क, मास्टर का कंट्रोल, और पांच नंबर में ट्रांजैक्शन का, यानी कि ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास में, आप सभी लोगों को पता होगा, इनमें से ये जो पूरा पेज है ना, कौन सा पेज है ये जो पूरा पेज आपके सामने दिख रहा है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसका आंसर इन पांच स्टेप में डिवाइड करना है। वो पूछ सकते हैं इन्वेंटरी का रिस्क कंट्रोल बताओ, वो बोल सकते हैं फिक्स्ड एसेट का बताओ, आपको सबसे पहले उनके स्टेप्स को लिखना है, फिर आपको लिखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड कंट्रोल। तो ये जो पॉइंट नंबर दो और तीन है वो सभी के लिए सेम है, कंट्रोल्स आर इंप्लीमेंटेड टू मिटिगेट रिस्क, ये आपको लिखना है। मास्टर्स वो होते हैं जिसका डेटा बार बार चेंज नहीं होता, और नॉन मास्टर होते हैं जो बार बार डेटा चेंज होता है। मास्टर्स डेटा इज मोर परमानेंट इन नेचर, इट इज नॉट परमानेंट, ये हर ट्रांजैक्शन के थ्रू बदलता ही है। नॉन हर, जैसे उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसका जेंडर, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल रिमेन सेम। मास्टर, ये आपको डिफरेंस लिखना है, फिर आपको लिखना है इन मास्टर्स के अंदर क्या रिस्क हो सकती है, टेबल फॉर्मेट में रिस्क एंड कंट्रोल, फिर ट्रांजैक्शन की रिस्क कंट्रोल, ये आपको लिखना है, तब जाके ये सब कुछ मुमकिन होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके आगे बढ़ते हैं, डन है, ओके चलो। अभी ये चीज को आपको फिर से एक बार रिकॉल करते, क्योंकि छह क्वेश्चन मेरे खत्म हो रहे, पर एक बार समझ उसका मतलब क्या, स्टेप्स जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, रिस्क कंट्रोल का डिफरेंस, नॉन मास्टर मास्टर का डिफरेंस, हम लोग क्या करेंगे मास्टर के रिस्क, वो एक टेबलर में आएगा, ट्रांजैक्शन की रिस्क, ट्रांजैक्शन की, पर इसमें एक मास्टर नाम का जो बच्चा है उसके मास्टर यू आर आईपीसी प्लेयर, ये आपको याद रखना जरूरी है। क्या है मास्टर यू आर आईपीसी प्लेयर, मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, चैप्टर कौन सा चल रहा है, ये ना देखो, ये आपको जानना जरूरी है। मास्टर का मतलब क्या है, मास्टर कि आपने मास्टर बनाया नहीं, ये एक रिस्क है, जैसे आप अकाउंटिंग कर रहे हो आपने मास्टर बनाया नहीं, मास्टर यू, आपने जो भी बनाया हुआ मास्टर है उसका सामने वाले का मोबाइल नंबर चेंज हुआ, उसका ईमेल आईडी पर आपने उसको अपडेट रिकॉर्ड, आपने बनाया था मास्टर पर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मास्टर को कोई भी अनऑथराइज्ड बना रहा है, नॉट अलाउड, यू आर मास्टर, यू आर अनऑथराइज्ड आईपीसी, आई फॉर व्हाट, आपने मास्टर बनाया पर वो डेटा वैलिड नहीं है, कुछ तो भी लिखा है, पैन नंबर भलता कुछ इनवैलिड, 10 नंबर का पैन चाहिए आपने 9 नंबर का लिख दिया, पी फॉर आपने लिखा था प्रोसेस ही नहीं हुआ, सी से कोई भी आके चेंज कर रहा है उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए, माना है आपने कोई भी आके चेंज कर रहा है, कोई भी मोबाइल नंबर चेंज कर रहा है, कोई भी कुछ ईमेल आईडी चेंज कर दे रहा है, ऐसा सी फॉर व्हाट, करेक्ट नहीं, लिखा आपने मोबाइल नंबर पर मोबाइल नंबर था ही नहीं, प्ले पी फॉर व्हाट, पीरियड गलत डाल दिया आपने, मास्टर का जो पीरियड होना गलत हो गया, एल फॉर लीगल, जैसा लॉ में लिखा वैसा नहीं हुआ, और आर फॉर रिकॉर्ड बना था वो डिलीट हो गया, मास्टर बना था रिकॉर्ड। अब ये जो है ना, इन छह क्वेश्चन में जब भी हम लोग मास्टर के रिस्क और मास्टर के कंट्रोल बनाएंगे तो आपने ये मेमोरी यूज करना चाहिए, यानी कि आपने क्या करना चाहिए, ये जो पॉइंट है ये बहुत, देखो आप समझ के लो, वो जो छह क्वेश्चन है ना, वो छह क्वेश्चन को आईसीएआर ने बहुत लेट लेट के 15 से 20 पेजेस में लिखा हुआ है, उनको हमने शॉर्ट समरी में, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आने दो, आपको क्या करना, पहले स्टेप्स लिखना जो मैं भी पढ़ाने वाला हूं, रिस्क और कंट्रोल का डिफरेंस लिखना है, मास्टर नॉन मास्टर लिखना है, फिर चौथे पॉइंट में क्या लिखना है, ये मास्टर के अंदर ये रिस्क हो सकती है और उसके कंट्रोल, अब इसका कंट्रोल आना बहुत आसान है, अब मास्टर बनाया इसने तो क्या बोलेंगे, मास्टर बनाओ, अनऑथराइज एक्सेस कर रहे हो, ऑथराइज करने लगो, और रिकॉर्ड मेंटेन, रिकॉर्ड बनाया नहीं तो रिकॉर्ड बनाओ, आई से इनवैलिड तो वैलिड करो ना भाई, पीछे लिखा था प्रोसेस नहीं हो, इट हैज टू बी ऑलवेज प्रोसेस, सी चेंजेस, नोबडी शुड बी अलाउड टू मेक एनी चेंजेस अनलेस इट इज ऑथराइज्ड, सी करेक्ट, इट हैज, इट इज नॉट करेक्ट, ये रिस्क है, इट हैज टू बी ऑलवेज करेक्ट, पी फॉर व्हाट, पी फॉर व्हाट, पीरियड, पीरियड गलत हो गया तो बोलेंगे इट हैज टू बी ऑलवेज, डेटा शुड बी इंटेंड टू राइट राइट पीरियड, L for what? It is not lawful. It has to be always lawful. R for record should be deleted. Record का backup लेना चाहिए. यानी कि आपने ये जो लिखा ना, हर किसी question में 6 में से कभी आने दो, इसके risk भी लिखना है और इसके control भी लिखना है. I hope you are understanding this. Okay. आगे बढ़ना है. कहाँ से आ रहे?
ठीक है लिटिल बिट। अब मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, यहां पे जो सवाल लिखा है फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के 6 पॉइंट। अगर फिक्स्ड एसेट प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है, याद करो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। फिक्स्ड एसेट में क्या क्या इन्वॉल्व है, सबसे नंबर वन प्रोक्योरिंग, कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्रोक्योर करते हैं, फिर प्रोक्योर करेंगे उसको क्या करेंगे रजिस्टर करेंगे, फिर उसमें अगर कुछ मेंटेनेंस वगैरह कुछ करना है उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, फिर उसका हम लोग हो सकता है ये एसेट जो है इधर से उधर जा सकता है उसको ट्रांसफर बोलेंगे, फिर उसका डेप्रिसिएशन भी ले सकते हैं, और 6 पॉइंट में क्या लिखा है उसके लाइफ होने के बाद उसको डिस्पोज करते हैं। यानी कि ये 6 एक्टिविटीज फिक्स्ड एसेट में होती है, ये 6 एक्टिविटी, ये हमारा स्टेप नंबर वन है। तो स्टेप नंबर वन में क्या लिखते हैं हम लोग 6 टिप्स। तो एग्जामिनेशन पूछेंगे फिक्स्ड एसेट के स्टेप्स बताओ और उसके रिस्क कंट्रोल बताओ, तो आपने 6 स्टेप लिखना, कौन से 6 स्टेप बोलो, प्रोक्योरमेंट, रजिस्ट्रेशन, एडजस्टमेंट मतलब मेंटेनेंस, नंबर 4 ट्रांसफर हो सकता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, नंबर 5 डेप्रिसिएशन, नंबर 6 खराब हो तो फेंक देंगे, ये होता ही है। तो दूसरे में क्या लिखेंगे रिस्क कौन सा है कंट्रोल, फिर उसका मास्टर और नॉन मास्टर। अभी चौथे में क्या लिखते हैं कि ये जो स्टेप करते समय मास्टर बनाना जरूरी है, कौन सा कि फिक्स्ड एसेट कौन सी तारीख को लिया, क्या किया, उसको कहां से लिया, उसका डेट क्या है, उसका सारी चीजें जो कौन से वेंडर से, वो सब का मास्टर बनना चाहिए। पर मास्टर बनाते समय क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि मास्टर हमने बनाया ही नहीं, दूसरी बात अनौपचारिक लोगों ने बनाया, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ, मास्टर तो इनवैलिड बन गया, मास्टर तो प्रोसेस ही नहीं हो रहा, चेंज कोई भी कर रहा, ये सब आपने लिखा, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, ये सब वहां पे लिखा हुआ है। तो आपको मास्टर के रिस्क और मास्टर के कंट्रोल लिखना जरूरी है। लास्ट में अब क्या होगा, ट्रांजैक्शन की रिस्क और ट्रांजैक्शन की कंट्रोल लिखना है आपको। अब उसमें क्या होगा ट्रांजैक्शन, अब इतने सारे जो ट्रांजैक्शन है उसको भी आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन में क्या गलत हो सकता है। तो क्या गलत हो सकता है, आप कुछ भी विचार करो आपको समझेगा, कि प्रोक्योरमेंट किया था पर लिखा ही नहीं, प्रोक्योरमेंट लिखा था पर वो अनौपचारिक लोगों ने लिख दिया, प्रोक्योरमेंट लिखा था पर गलत पीरियड में लिख दिया, प्रोक्योरमेंट लॉ के हिसाब से इसमें लॉ तो है नहीं, प्रोक्योरमेंट लिखा था पर अनौपचारिक लोगों ने चेंज कर दिया। यानी कि जो मास्टर आईपीसी प्लेयर के पॉइंट्स है और पॉइंट नंबर 1 है, इनको क्लब करा के 5वां बच्चा बनता है। यानी कि 5वां नंबर का बच्चा कौन सा याद रखिएगा, मैं जो बता रहा हूं इतना भारी पढ़ रहा हूं, पता नहीं जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ही मजा आ रहा होगा आपको। ये स्टेप्स हमने कितने देखे, 5, यहां पे हमने मेमोरी नहीं यूज करी। तो मास्टर आईपीसी प्लेयर हमने याद रखा, आईपीसीसी प्लेयर। अब वो जो ट्रांजैक्शन जब करते हैं ना, तो ये 5वां नंबर का जो बच्चा है, इट इज द बेबी ऑफ पॉइंट 1 एंड 4। कि 1 में हम लोग देखते कौन सी स्टेप्स है, और 4 नंबर के जैसे 1 में क्या देखा कि प्रोक्योरमेंट करना चाहिए, या फिर मान लो डेप्रिसिएशन की बात करो, डेप्रिसिएशन देना चाहिए। तो हम लोग क्या देखे, डेप्रिसिएशन दिया ही नहीं, डेप्रिसिएशन अनौपचारिक लोगों ने दे दिया, डेप्रिसिएशन तो क्या बोलते हैं इनकरेक्ट ही हो गया, डिप्रेशन तो किसने भी चेंज कर दिया, डिप्रेशन तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इन स्टेप्स को जब 4 नंबर के साथ में यूज कर रहे हैं तो ये 5वां नंबर का बच्चा बन रहा है। तो सर अभी एक बात बताओ कि एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चन पे क्या लिखना है, लेट इट बी एनी क्वेश्चन अन्ना, 5 स्टेप फिर से एक बार बोलो, कि पहले आपको स्टेप्स लिखना है, फिर आपको रिस्क एंड कंट्रोल लिखना है, कि रिस्क ये तो एक लाइन का है, कंट्रोल आर देयर टू मिटिगेट द रिस्क, फिर आपको लिखना है मास्टर और नॉन मास्टर में क्या फर्क है, चौथे वन में क्या लिखना है मास्टर जो है उसके एक ऐसा टेबल फॉर्म बनाना है, इसके रिस्क कौन सी और कंट्रोल। फिर आप क्या करोगे, यहां पर तो मैंने आपको मेमोरी दी, मास्टर यू आर आई पी सी सी प्लेयर, ये सब आएगा। फिर यहां पे ये सब आप पॉइंट लिखेंगे, उसके कंट्रोल तो बहुत इजी है। अब यहां पे लिखा अनऑथराइज्ड लोग एक्सेस कर रहे, तो आप लिखेंगे आप ऑथराइज होना चाहिए, यहां पे लिख रहे पीरियड गलत है, अब बोलेंगे पीरियड अच्छा, तो ये बहुत इजी है। फिर 5वें नंबर में क्या करेंगे आप, अब वापस लिखेंगे ट्रांजैक्शन, फिर उसके 2 बच्चे बनेंगे, उसके रिस्क और उसके कंट्रोल। तो क्या रिस्क कौन सी होगी, उनमें से कोई भी एक स्टेप उठाओ, क्या गलत, प्रोक्योरमेंट, तो प्रोक्योरमेंट में क्या गलत हो सकता है, प्रोक्योरमेंट तो अनऑथराइज हो गया, प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड नहीं आया तो रिकॉर्ड करो, प्रोक्योरमेंट डिलीट हो गया, प्रोक्योरमेंट अनऑथराइज लोग चेंज कर रहे, तो एक बार कॉल करना, फोन आया था पता नहीं क्यों, कुछ गड़बड़ है कि मुझे को। आप और एक रिस्क लो, डिप्रिसिएशन, डिप्रेशन तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं तो करो, डिप्रेशन तो गलत हो गया, डिप्रेशन गलत पीरियड में हो गया, तो अब क्या करें हम लोग यहां पे, इट इज द बेबी ऑफ पॉइंट नंबर 1 एंड 4। तो इस तरह से अगर करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन बहुत, अदरवाइज इनको सबको याद करना सेपरेटली बहुत डिफिकल्ट है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जनरल लेजर की बात करेंगे। अरे जनरल लेजर अन्ना, एग्जामिनेशन में कोई पूछेगा रिस्क एंड कंट्रोल बताओ, किसके फिक्स्ड एसेट के, तो आपने बता दिया। अब जनरल लेजर भी पूछेंगे तो यही 5 स्टेप्स, कौन से 5 स्टेप्स, रिस्क कंट्रोल, मास्टर नॉन मास्टर, मास्टर के रिस्क, मास्टर के कंट्रोल, ट्रांजैक्शन का रिस्क,
पर आपको ये क्यों आपको याद करना है, बिकॉज सबके स्टेप्स अलग है, पर सबके पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 सेम है, पर सबका स्टेप नंबर 1 अलग है, इसलिए स्टेप नंबर 1 के लिए चार्ट बना के दिया, सेकंड 3, 4, 5 का चार्ट की जरूरत नहीं, बिकॉज वो सबका सेम ही है। ओके, अब जनरलाइजर में क्या रहे, आप क्या करेंगे, कोई भी आपने जनरल एंट्री करी तो क्या करना चाहिए, किसी ने रिव्यू करना चाहिए कि वो सही हो गया, फिर उसका रिव्यू तो अप्रूव देना चाहिए, अप्रूव होने के बाद में क्या होगा, अप्रूव होने के बाद क्या होगा, वो पोस्टिंग होना चाहिए, लास्ट में क्या होता है, फर्नीचर रिपोर्ट होना चाहिए। जनरल लेजर के सिंपल है ना यार, कोई भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एंट्री करेगा, ऐसे एंट्री करने के बाद में कोई तो सीनियर ने उसको रिव्यू करना चाहिए, और रिव्यू करने के बाद अगर वो सही है तो उसका अप्रूव, और अप्रूव होने के बाद में क्या होना चाहिए, उसकी पोस्टिंग, और बाद में क्या मिलना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको मिलना चाहिए। अब एचआर की बात करें, एचआर में बहुत सही है, रिक्रूटमेंट करेंगे, फिर उस एम्प्लॉय से पूछेंगे तेरी जिंदगी में तुझे बनना क्या है, तेरा प्लानिंग क्या है, मुझे बनना है, तो उसकी प्लानिंग, उसका जो फ्यूचर है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है जिंदगी, उसको क्या बनना है, उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको डेवलपमेंट, और एक समय आएगा तो वो छोड़ देगा, तो हम उसको निकाल देंगे। नंबर वन, पहले तो रिक्रूटमेंट करेंगे एम्प्लॉयज को, फिर उसको पूछेंगे तेरी जिंदगी में तुझे कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है, वो बोलेंगे मुझे फाइनेंस में काम करना है, तो पॉइंट नंबर 3 में उसको फाइनेंशियल ट्रेनिंग देंगे, उसको डेवलपमेंट, और लास्ट में क्या होगा, एक समय आएगा तो वो छोड़ देगा, ये तो हम निकाल देंगे। इन्वेंटरी में, इन्वेंटरी में 3 ही बात है, इन्वेंटरी लाया, इन्वेंटरी का प्रोसेस किया, और डिस्पैच किया, प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशंस एंड व्हाट डिस्पैच, ये 3 बातें, देख ऑर्डरिंग यानी प्रोक्योरमेंट हुआ, प्रोडक्शन किया, और इसको डिस्पैच किया, तो इन्वेंटरी तो बहुत इजी है। अब बात करेंगे कैश, ऑर्डर टू कैश, यानी कि हमको किसी ने ऑर्डर दिए हैं, हमको किसी ने ऑर्डर दिए हैं तो क्या होगा, कस्टमर्स ऑर्डर की कस्टमाइज हुई, ऑर्डर टू फुलफिल सर्विस शेड्यूल, ऑर्डर शिफ्ट, इनवॉइस क्रिएटेड, समझ में आया क्या लिखा है, पहले ऑर्डर आई, फिर ऑर्डर को हमने शेड्यूल किया, कौन सी तारीख को जाना चाहिए, जिस तारीख को जाना उसका शिपिंग किया, इनवॉइस भेजा उसको, उसने पेमेंट भेज दिया, और हमने पेमेंट रिकॉर्डिंग हुआ जनरल लेजर, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं रहे, ये याद रखो आपको सबसे पहली बात तो इन दोनों का डिफरेंस, ऑर्डर टू कैश मतलब हमको किसी ने ऑर्डर किया, और प्रोक्यूर्ड पे में हमने किसी को ऑर्डर दिया, ये दोनों आपको समझना जरूरी है, समझ में आया, मैं वापस बोलूं, बोलो ऑर्डर टू कैश में क्या, और एक बार जरा 6 पॉइंट बताओ, हमको किसी ने ऑर्डर दिया, फिर हम उसको शेड्यूल करेंगे, फिर उसको शिप करेंगे, फिर क्या होगा चौथे पॉइंट में, क्रिएट इनवॉइस भेजा, फिर उसने पेमेंट दिया, और हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया, ये 6 पॉइंट आपको ऑर्डर टू कैश में, यानी कि हमको ऑर्डर किसने, तो हमने ऑर्डर दिया, फिर हमने पॉइंट नंबर 2 में उसका शेड्यूल बनाया, फिर शिपिंग किया, फिर इनवॉइस बनाया, उसने पैसे दे दिए, और हमने रिकॉर्ड कर लिया, ये ऑर्डर टू कैश, यानी कि ये जो स्टेप है, ये स्टेप कहां लिखना है, अपने 5 स्टेप में से स्टेप नंबर 1 है, रिस्क कंट्रोल दोनों का सेम ही है, किसका भी सेम ही है, मास्टर नॉन मास्टर सेम है, और रिस्क करने क्या होगा, चौथे पॉइंट में मास्टर के रिस्क और मास्टर के कंट्रोल लिखना है, तो कैसे रिस्क लिखेंगे, मास्टर के रिस्क और मास्टर के कंट्रोल, मास्टर यू आर आईबीसीसी प्लेयर, तो क्या लिखना है, हो सकता है इन्होंने ये जब ऑर्डर टू कैश किया तो मास्टर उस कस्टमर का बनाया नहीं, बनाया नहीं, बनाया था अनऑथराइज बना लिए, रिकॉर्ड ही किया नहीं, इनवैलिड बनाया, मास्टर तो गलत प्रोसेस ही नहीं हुआ, वो करेक्ट ही नहीं है, चेंज कर ले रहा कोई भी, और वो क्या हो रहा है कि पीरियड में सही नहीं है, वो लॉफुल नहीं है, तो इस तरह की चीजें आपको लिखना है। अरे कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन नहीं बहुत, और आप प्रोक्यूटिव पे किसी और जगह पे देखती हैं, और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, ओके, तो आपको समझ गया होगा सभी सारी चीजें, आगे बढ़ने का समय है, एक बार और चाहे तो मैं रिवाइज कर लूंगा थोड़ी देर बाद उसको, ओके, लेट्स डू इट गाइस, कम ऑन। अब एक प्रश्न हमारे सामने है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पे, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंसेस के नाम से, कि जब हम लोग पूरे ऑटोमेशन को करते हैं, जब हम लोग ऑटोमेशन को करते हैं तो पूरे साइबर के केस में या फिर पूरे ऑटोमेशन के केस में कौन से लॉ एप्लीकेबल है। तो जब भी मैं कंप्यूटराइज या ऑटोमेटेड हो जाता हूं ना, 2 लॉज आर एप्लीकेबल टू मी। जब मैं ऑटोमेटेड हो जाता हूं उसमें 2 एक्ट कहते हैं कि मैंने कंट्रोल लगाना चाहिए। जैसे एग्जांपल, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, यू आर एडवाइजिंग सम कंपनी, व्हाई डोंट यू इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल, वो बोलेगा मैं नहीं करता, बाहर में जा। यू आर एन ऑडिटर, यू आस्किंग योर क्लाइंट टू इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल, ही सेइंग व्हाई शुड आई इंप्लीमेंट इट, मुझे नहीं लगाना भाई। आप बोलेंगे लगाना पड़ेगा बिकॉज साइबर लॉ कह रहा है, बिकॉज कंपनी चेक कह रहा है। सैमसंग जी, ये लो, ये ले। अगर मान लीजिए मैं बाप से पूछता हूं एक सवाल, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आप किसी के ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने गए, आप उसको बोल रहे भाई तू कंट्रोल लगा यार,
ये पूरा पेज इंटरनल कंट्रोल के बारे में तू लगाता है, बोलता नहीं लगाना भाई मेरी मर्जी में, भाई तेरी मर्जी के तेल लगाना है, अब तुझे लगाना होगा बिकॉज लॉ कहता है, लॉ तो है, एक साइबर लॉ कहता है कि तुम्हें कंट्रोल लगाना जरूरी है, सेक्शन नंबर 43A. It is a responsibility of every body corporate to implement the desired control. If they fail to implement the desired control, they would be liable for punishment. It's cyber law कहता है. और अब Companies Act भी बोले, section number 134, क्या बोलता है board report? हम बोली था ना director responsibility statement, जिसमें गाली हमें G for going concern, A for हमारी वहां पे board of director report बनाते हैं और लिखते हमारी ऑर्गेनाइजेशन में गोइंग कंसर्न है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो होती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लीगल कंप्लायंस सब होते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल सिस्टम है. ऐसा वो बोर्ड रिपोर्ट में लिख के दे रहा है, दोस्तों लिख के दे रहा है कि यहां पे इंटरनल कंट्रोल है, और अगर नहीं हुआ ना सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जेल में जाना, दे वुड बी पर्सनली हेल्ड लायबल फॉर पनिशमेंट. तो अब ये जो इंटरनल कंट्रोल है लगाना, अब आपकी चॉइस का सवाल नहीं है, झक मार के लगाना पड़ेगा, ये वो पॉइंट है. इसलिए यहां पे लिखा है कि आईटी एक्ट भी बोलता है कि आपने कंट्रोल लगाना चाहिए, और ये भी कहता है 134 आप सभी जानते हैं, और व्हाट इज 143, 134 में बोर्ड रिपोर्ट कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और 143 में क्या कहता है, ऑडिटर ने भी जब ऑडिट रिपोर्ट देना है तो उसने चेक करना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल है, और अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल नहीं लगा है तो ऑडिटर ने उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखना चाहिए कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट किया पर यहां पर इंटरनल कंट्रोल नहीं है. इसलिए कंपनीज एक्ट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल लगाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, ऑडिटर हो, ऑडिटर की जिम्मेदारी 143 में दी, डायरेक्टर की जिम्मेदारी 134 में दी, और नहीं लगाना दोनों को ठोक देंगे, पनिशमेंट देंगे, तो कंपनीज एक्ट इससे वहां पर कंट्रोल लगाया जा रहा है. इससे कंप्यूटर्स के ऊपर कंप्यूटर तो लगाओ मत, और लगा रहे तो कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज 134 143 आपको चीख चीख कर पुकार रहा है. अब चल रहा है कि एक बार देख लें भाई, अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात करेंगे. अब इसमें क्या है ना, इसमें चार बातें, आखिर यह आईटी एक्ट आया क्यों. सबसे पहली बात, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी जिंदगी में जब आईटी एक्ट नहीं था ना, पीपल आर स्केयर्ड फ्रॉम ई-कॉमर्स, पीपल आर स्केयर्ड फ्रॉम ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स को लोग डरते थे, बाकी कंट्रीज में ई-कॉमर्स चल रहा था, पीपल वर नॉट रेडी टू यूज ई-कॉमर्स बिकॉज दे वर स्केयर्ड कि अगर मैं बाय करूं और मुझे नहीं मिला मेरे साथ में कुछ फ्रॉड हो, कौन बचाएगा. इसलिए ई-कॉमर्स को क्यों लाया मालूम क्या, सॉरी साइबर लॉ क्यों लाया, ताकि लोगों का फेथ ई-कॉमर्स पे बढ़े. दूसरी बात, जब साइबर लॉ नहीं था तो भारत में बहुत सारे साइबर थ्रेट्स हो रहे थे, उन थ्रेट्स को, उन फ्रॉड को कम करने के लिए, तो पहले दो पॉइंट से ई कॉमर्स को एनकरेज करने के लिए, साइबर के फ्रॉड कम करने के लिए, और तीसरी बात, बहुत सारी चीजों का लीगल रिकॉग्निशन के लिए. ईमेल के थ्रू भी ऑर्डर जा सकते हैं, ईमेल भी वैलिड है, किसने लीगली रिकॉग्नाइज किया, साइबर लॉ ने. आपकी फिजिकल सिग्नेचर ने डिजिटल सिग्नेचर भी चलेगी, कौन बोलता है, साइबर लॉ. ईमेल भी वैलिड है, कौन बोलता है, साइबर लॉ. आप समझे इस बात को कि डिजिटल डेटा, अगर मान लीजिए आपने बोल दिया कि मेरे पास जो आप बोलते हैं ना इनकम टैक्स में आपको 8 सालों तक डेटा मेंटेन करना जरूरी है, अगर आपने टैली में भी डेटा स्टोर कर लिया या हार्ड डिस्क में भी रख गया तभी भी वो वैलिड है, कौन बोल रहा है, साइबर लॉ. तो इन सारी चीजों को लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए साइबर लॉ, एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं साइबर लॉ क्यों आया था, साइबर फ्रॉड को कम करने के लिए, ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए, तीसरी बात लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ईमेल, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ व्हाट, डिजिटल सिग्नेचर, लास्ट में लीगल रिकॉग्निशन व्हाट, ई स्टोरेज. आगे बढ़ेंगे, प्राइवेसी, आपने सभी ने जानते हैं फेसबुक का कांड आपने देखा था, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेन एवर यू आर डीलिंग विद कस्टमर्स डेटा, यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट दैट डेटा, प्राइवेसी मेंटेन करो ना यार. फेसबुक ने वही किया, फेसबुक ने सारा डेटा इलेक्शन के लिए यूज कर लिया था. प्राइवेसी, अब एग्जाम्पल सपोज आई एम बाइंग समथिंग फ्रॉम समवन्स वेबसाइट, आई एम शेयरिंग माई लॉट ऑफ आईडीज एंड पासवर्ड्स, आई एम शेयरिंग माई बैंकिंग डिटेल्स, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द प्राइवेसी. तो प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां पर लिखा है SPDI, जैसे हॉस्पिटल के अंदर आप जाओगे या फिर किसी टेलीकॉम या बैंक, आप किसी को भी बोला यार, आप जाके हॉस्पिटल में भैया इनका एक्सरे बताओ तो, इनका MRI बताओ, बोले क्यों, बोले ऐसी, और अगर उसने बता दिया ना, उसको सेक्शन 43A साइबर लॉ के हिसाब से लीगल पनिशमेंट है. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी बॉडी कॉर्पोरेट, चाहे वो टेलीकॉम कंपनी हो, किसी का मोबाइल नंबर शेयर नहीं कर सकते, चाहे वो बैंक हो, किसी का मोबाइल नंबर शेयर नहीं कर सकते. अगर वो दे फेल्ड टू
इंटिमिडेट ऑफ देयर क्लाइंट्स एंड कस्टमर दे वुड बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर पनिशमेंट। इसलिए बोलते पहले तो लोगों का डेटा लो मत, और ले रहे हो ना डेटा, किसी और को डिस्क्लोज करने का नहीं सिवाय उस आदमी के, ये इसको बोलते हैं पर्सनल। फिर आप बोलेंगे सर प्राइवेसी में, प्राइवेसी बोलते क्या, दे शुड मेक अ पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द डेटा। और एसपीडीआई क्या बोलता है, कुछ भी किसको दिखाना नहीं, दिखाएंगे ना तो अंदर जाएंगे, इसलिए एसपीडीआई है, इसलिए प्राइवेसी मेंटेन करना जरूरी है। एसपीडीआई में क्या बोला, अगर तुमने दिखाया तो क्या होगा, पनिशमेंट। इसलिए क्या बना रखो, मेंटेन प्राइवेसी, इफ यू मेंटेन प्राइवेसी इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। तो प्राइवेसी इसलिए पॉलिसी बनाओ, तो एसपीडीआई में डर लग रहा है इसलिए प्राइवेसी में पॉलिसी बनाते हैं। और कौन से कंप्यूटर ऑफेंसेस होते हैं, हैरेसमेंट वाया फेक पब्लिक प्रोफाइल। आप देखते हो बहुत बड़े बड़े जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी फेक प्रोफाइल बना के उसके ऊपर ऐसी अश्लील फोटोज डाल के उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, वो एक पॉइंट है। ये भी साइबर ऑफेंस है, ऐसी चीजों की भी सजा आपको साइबर लॉ में दिखेगी। ईमेल अकाउंट हैक, आप सभी जानते हो ईमेल अकाउंट हैक अगर हो जाता है, मैंने आपको क्लास में भी बोला था, एक इंसान ने अपने कलीग का ईमेल आईडी हैक करके लिख दिया आई रिजाइन और बहुत सारी गालियां दिया, ऐसे लोगों का ईमेल हैक करना भी एक ऑफेंस है। क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड तो आए दिन हो रहा है, वी आर शेयरिंग लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऑन वेबसाइट और डेबिट कार्ड डिटेल्स हम लोग वेबसाइट पे डालते हैं, एंड समबडी इज ट्राइंग टू गेट द वेबसाइट, समबडी इज ट्राइंग टू गेट द डेबिट कार्ड्स नंबर एंड दे आर मिसयूजिंग आवर डेबिट कार्ड्स नंबर। अगर ऐसा कोई करता है और मिसयूज करके वो बाय कर रहे, सेल कर रहे, प्रोडक्ट बाय कर रहे किसी और वेबसाइट से, या कुछ भी वेस्ट कर रहे उस पैसों को, तो ये साइबर फ्रॉड है। वेब डिफेसमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, वेब डिफेसमेंट का मतलब क्या है साहब? इंफोसिस ने ऐसे ही बोला था कि हमारी वेबसाइट को कोई कुछ नहीं कर सकता, हैकर को गुस्सा आ गया, बोले आज तक कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जिसने हमारे इंफोसिस की वेबसाइट को कुछ किया। वो हैकर को इमोशनल हो गया, बोले यार ऐसे कैसे कर रहे, क्या बोल रहा है भाई, तो हमें चैलेंज कर रहे है। हैकर ने उसी दिन रात में उसका बैंड बजा दिया और उसके अंदर सारे जो डायरेक्टर्स थे उनके फोटो हटा के वहां पर अश्लील फोटो डाल दी। क्या बोलते हैं उसको, वेब डिफेसमेंट। वायरस, वर्म्स, व्हाट डज इट मीन, वायरस डाल देना किसी के कंप्यूटर में साइबर ऑफेंस है। वर्म्स यानी जो अपने आप को रेप्लिका करता है, ऐसे किसी के कंप्यूटर में वायरस डाल देना, वर्म्स डाल देना। अभी वो चाइना ने अपने इंडिया में कोरोना वायरस डाल दिया, ये भले ही कंप्यूटर वायरस नहीं है, पर कंप्यूटर का वायरस अगर होता तो हम उसको साइबर लॉ में लेते, पर कोरोना को नहीं लेंगे, बिकॉज कोरोना ये वायरस है पर साइबर वायरस नहीं। आगे साइबर टेररिज्म, हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़े बनाने के लिए अपने एक पोस्ट बना के फेसबुक पर डाल दिया, लोग आपस में लड़ रहे, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे, साइबर टेररिज्म, ऐसा करना भी एक ऑफेंस है। ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल, यू आर सेलिंग यू नो पिस्तौल, गन, ये क्या बोलते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स ऑनलाइन, आप ऐसा करोगे तो जेल में जाओगे। साइबर पोर्नोग्राफी, आपने किसी के अश्लील वीडियोस बना के पोस्ट करवा दिए, ट्रांसमिट कर दिए, किसी के अश्लील फोटो कैप्चर करना, ट्रांसमिट करना, बहुत गलत है। ना कैप्चर कर सकते हो, ना ट्रांसमिट कर सकते हो, ना किसी जगह पर उसको पब्लिश कर सकते हो। एक बच्चा बोला देख सकते हैं, देखने में कोई ऑफेंस नहीं, ट्रांसमिट मत करिए बस। फिशिंग, एक बैंक है जिसका नाम है एक्सिस, AXIS, हैकर ने एक बैंक बनाया ACCESS, उसका नाम भी एक्सिस होता है। अब किसी ने सर्च कर दिया ACCESS बैंक, वो खुल गई बैंक और हुआ ऐसे लग रही जैसे वो बैंक है, और पूछता है प्लीज एंटर आईडी पासवर्ड, अगर आपने आईडी पासवर्ड एंटर कर दिया फिर क्या होगा, और आपने उनको आईडी पासवर्ड दिया जो फेक है और वो लोगों ने आपका आईडी पासवर्ड मिसयूज कर लिया, इसको बोलते हैं फिशिंग। जाल बिछा के रखा है, आप जाके कूद जाओ आपको लूट लेंगे। ऐसे ही होता है कौन सी बैंक, सिटी बैंक, CITY स्पेलिंग होता है, पर बैंक का स्पेलिंग CITY होता है, उन्होंने क्या करा CITY नाम से भी बैंक बना के रख दिया, अब लोगों का सच बैंक है, लोगों ने अपना आईडी पासवर्ड दे दिया, लोगों को लूट लिया उन्होंने, फिशिंग बोलते हैं। थ्रेट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, अभी तो देखो एक बहुत सारी कंपनी अपना काम आउटसोर्स करते हैं, बहुत सारी यूएसए कंपनी पुणे के बहुत सारी कंपनी को आउटसोर्स करते हैं। अब एक बार क्या हुआ, एम्फेसिस इस कंपनी को आउटसोर्स किया था, उनके सारे एम्प्लॉयज ने यूएसए के डेबिट कार्ड, येस बैंक का डेबिट कार्ड का सारा इन्फॉर्मेशन चुरा के वहां के एम्प्लॉयज ने इंडिया में शॉपिंग किया, लोग कहां के, येस बैंक कस्टमर कहां के, यूएसए के, उनका डेटा कहां पे आ रहा प्रोसेसिंग के लिए इंडिया में, और इंडिया के लोगों ने उसको चुरा के यहां पे शॉपिंग कर रहे मॉल में, क्या ही है, थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, ऐसा थोड़ी ना अलाउड है बे। आप बोलेंगे आप दिख गए, ऐसे कैसे दिख गए, यू कैन नॉट डू दिस। आपने किसी दुकान में अपना डेबिट कार्ड दे दिया, उन्होंने सब आपका डेबिट कार्ड नंबर लिख लिया, ऐसा थोड़ी चला, थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इज नॉट अलाउड। और सोर्स डेटा थेट, सोर्स कोड थेट, ये तो है ना सॉफ्टवेयर के कोड से चुरा लिए, मान लो कोई एम्प्लॉय जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम कर रहा है उसने कोड चुरा के वैसे सॉफ्टवेयर बना दिया, दिस इज नॉट अलाउड। तो ये सारे ऑफेंसेस है।
देखना ऑफेंसेस, ये सब क्या है, ये सारे है ऑफेंसेस। एक बार बताओ मैं किसकी बात करूं, ध्यान से देखो, लास्ट हो गया, खत्म, चैप्टर खत्म हो रहा है। आज से मेरा प्रश्न आपको जवाब देना है, क्या क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे? फेक प्रोफाइल बनाना क्या मतलब हो इसका? अरे बोलो भाई क्या मैं बोल रहा हूं? फेक प्रोफाइल मतलब क्या? बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार का। अब बताओ इंफोसिस का जो था वो क्या था? वेब डिफेसमेंट। आपने किसी कंपनी का कोड चुरा लिया तो बोलेंगे सोर्स कोड थे। एम्फेसिस के साथ जो होता है वो क्या था? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुराना, किसी की अश्लील चीजों को कैप्चर करना, पोर्नोग्राफी। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अगर किसी के आप बंदूक बेच रहे हो, वेपन्स बेच रहे हो, ड्रग्स बेच रहे हो, इलीगल आर्टिकल्स, क्या डेबिट कार्ड के फ्रॉड भी हो सकते हैं? डेबिट कार्ड का नंबर चुराना क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। उसके बाद में ईमेल अकाउंट हैक, आप सभी जानते हैं ईमेल अकाउंट का हैक करना क्या होता है। साइबर टेररिज्म, आप कुछ पोस्ट कर रहे हो ताकि लोग आपस में लड़ ले हिंदू मुस्लिम, उसको बोलेंगे साइबर टेररिज्म। तो इसी के साथ में दोस्तों इंफॉर्मेशन जो चल रहा है, एक बार से देख लो तो सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं? एवरीथिंग इज ओके, सब चल रहा है, ऑल गुड, ओके, ऑल गुड, ऑल गुड, वेरी गुड, ऑल गुड, वेरी गुड, सब सही चल रहा है। दोस्तों एक बार साइबर लॉ के चार क्वेश्चन का जवाब, साइबर लॉ में एग्जामिनेशन पूछेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ साइबर लॉ, क्या पूछेंगे? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ साइबर लॉ के बेनिफिट्स बताओ। तो आप जानते हैं, बताओ क्या क्या बेनिफिट्स है? साइबर क्राइम ना होने देना, ई कॉमर्स को बढ़ावा देना, लीगल रिकग्निशन ऑफ ईमेल्स, डिजिटल सिग्नेचर एंड ई स्टोरेज। अब मैं बात पूछूंगा, साइबर लॉ में प्राइवेसी क्यों करते हैं? प्राइवेसी के अंदर उन्होंने पॉलिसी बनाना चाहिए, नहीं बनाए तो एसपीडीआई बोलता है आपके टॉप लेवल के लोग, अगर कोई बैंक में, कोई हॉस्पिटल में अगर किसी का डेटा अगर डिस्क्लोज करे तो उसको पनिशमेंट होगी। और लास्ट में क्या लिखा है? अरे बताओ भाई, उसके बाद में क्या लिखा है? उसके बाद में लिखा है कि कौन से ऑफिसेस, तो वो लिस्ट हमने देखी। फिर साइबर लॉ में और एक क्वेश्चन है, आई मीन ये पूरा ये जो पार्ट है उसमें एक क्वेश्चन है कि दुनिया में दो टाइप के ऐसे लॉ है जो कहते हैं इंटरनल कंट्रोल लगाओ, एक तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 134-137 और दूसरा क्या है? साइबर लॉ। तो साइबर लॉ के ऊपर चार क्वेश्चन पूछेंगे, प्राइवेसी, एसपीडीआई, ऑफेंसेस एंड एडवांटेज। और 134-137 ऑलरेडी लॉ में आपको समझा, 134 इज फॉर बोर्ड रिपोर्ट, 143 इज फॉर, और ये सारी चीजें आपको पता ही है, ड्रामेटिक फ्लो चार्ट तो आपको पता ही, वहां से उठाना है आपको जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ओके, ये प्रोक्योर टू पे हमने वहां पे जो नहीं किया था, एक बार यहां पे देख ले, प्रोक्योर टू पे मतलब हम लोग किसी से प्रोक्योर कर रहे हैं, ये आप एग्जामिनेशन में ये भी ऑर्डर टू कैश लिख सकते हैं या वो भी ऑर्डर टू कैश, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इसके पहले भी हमने ऑर्डर टू कैश देखा था। अब प्रोक्योर में हम लोग को किसी से ऑर्डर, हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यूजर डिपार्टमेंट, यानी कि वो मक्खन वाला क्या बोलेगा, यार मेरा मंगवा दो यार, परचेस डिपार्टमेंट, तो क्या करेगा ये जो यूजर डिपार्टमेंट है वो कौन है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसको बोलेगा? परचेस वालों के, मेरे लिए मक्खन लाओ। पॉइंट नंबर टू में क्या करेगा? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा? सबको बोलेगा भाई तुम्हारा क्या भेजो? कोटेशन भेजो। फिर वेंडर्स लोग क्या करेंगे? अपना कोटेशन भेजेंगे। फिर कोटेशन में क्या होगा? उसका जिसका सेलेक्ट होगा उसके माल आएंगे, हम लोग स्टोरेज में डाल देंगे और बाद में उसका पैसे दे देंगे अकाउंट्स पे। बताओ वापस बताओ, प्रोक्योरिटी पे याद रखो पांच टिप्स, कौन से? यूजर डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? यूजर डिपार्टमेंट बोलेगा क्या बोलेगा? कि मुझे मक्खन चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? परचेज डिपार्टमेंट बोलेगा ठीक है ए वेंडर्स मुझे क्या दो? कोटेशन। फिर एक कोटेशन से लेके वेंडर्स ने आपको माल दिया, माल दिया तो क्या करो? स्टोर करो। और स्टोर करने क्या होगा? आप उसका पैसा पे कर दो। इसको बोलते प्रोक्योरिटी पे। अब प्रोक्योरिटी पे का भी वही सकता, कौन सा फर्स्ट पॉइंट है उसमें? स्टेप पांच, स्टेप रिस्क एंड कंट्रोल क्या है? मास्टर नॉन मास्टर, मास्टर का रिस्क, मास्टर का कंट्रोल, ट्रांजेक्शन का रिस्क, ट्रांजेक्शन, ये सारी चीजें यहां पे लिखिए गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कम ऑन एवरीवन। ये पूरी तरह से ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब एक बार फिर पांच मिनट के लिए चैप्टर को रिवाइज करते हैं। आप बताएंगे तीन प्रोसेस कौन सी? ऑपरेशनल, सपोर्टिंग, मैनेजमेंट। आप बताएंगे ईआर बीपीए के चार ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, कॉम्पिटेंस। आप बताएंगे बीपीए लगाने के आठ स्टेप्स कौन से हैं? पहले एनवायरमेंट बनाएंगे, नहीं पहले प्रॉब्लम्स है जानेंगे, फिर रूल्स चेक करेंगे, फिर हम लोग एग्जिस्टिंग बिजनेस के प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम वो लिखेंगे, चार नंबर में ऑब्जेक्टिव करेंगे, पांच नंबर में हम लोग क्या करेंगे? कंसल्टेंट देखेंगे, फिर उसका पांच नंबर में कंसल्टेंट, फिर आरओआई, फिर हम लोग इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ना ना ना, पहले क्या करेंगे हम लोग? कंसल्टेंट को बुलाएंगे, फिर आरओआई करेंगे, फिर डेवलप करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, बराबर है? अब बात करेंगे ये जो बीपीए है, वो बीपीए के फायदे क्या है? क्यों तुम टाइम टाइम पे, देखो ऑलरेडी चैप्टर हुआ है, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो, फोकस आपके लिए चल रहा है, एग्जामिनेशन से 20 डेज बाकी है, 20 दिन बहुत कम होते हैं, हो सकता है इसके बाद में आपको ईएएस पढ़ने का मौका मिले भी ना, सो कॉन्सेंट्रेट करो सर। और मेरी आपसे गुजारिश है, जब एग्जामिनेशन में आपका आखिरी पेपर होगा ना, आई थिंक ईएएस को इस बार टाइम मिल रहा है, कितना? बहुत बड़ी बात है साहब, ईएएस को 3 दिन मिल रहे, 2-4 बार इसको रिवाइज कर लेना पहले, उसके बाद मजा आएगा आपको। ऐसा सेम रिवीजन लेक्चर मैंने एफएम के लिए भी डाला हुआ है, इको के लिए, वो भी जरूर देखिए आप,
वो भी जरूर देखना है आपको, मैंने आपको इस वीडियो के नीचे उसका लिंक डाल रहा हूं, जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। आप लोग सभी लोग जिनको ये लेक्चर पसंद आ रहा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, बिकॉज आपके कमेंट्स और आपके लिए मेरे लिए मोटिवेशन साबित होते हैं। इतना करके भी अगर मैं अपने घर वालों को हॉस्पिटल रख के अगर आपके सामने लेक्चर ले रहा हूं और आप कमेंट्स भी देंगे नहीं, तो आप क्या कर रहे हो, मतलब आपको फिर क्या इंसानियत होगी? आपको कम से लगना चाहिए अरे इंसान अपने लिए कुछ कर रहा है, आपको लगता है हाँ सही में इस इंसान ने अपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, यू शुड कमेंट, यू शुड लाइक, अदरवाइज मुझे है ही क्या इसमें, ऑलरेडी मेरा लेक्चर प्री रिकॉर्डेड है भाई, ऑलरेडी नवंबर 20 के है वो, क्योंकि चेंजेस ही कुछ नहीं थे, मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो प्लीज अंडरस्टैंड इसको, मैं ये नहीं कर रहा मैं आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा हूं, पर मैं मांग ही क्या रहा हूं आपसे, तो आप लाइक करें और इस जो वीडियो का जो मैंने इतने मेहनत लेके कर रहा हूं, आप जरूर इसको स्प्रेड करें, चार लोगों को और फायदा होना चाहिए, जैसे मैं आपके लिए फायदा कर रहा हूं, आप भी चार लोगों करें, उनको शेयर करें, हो सकता है उनको फायदा हो जाए, उनको पता नहीं था लेक्चर के बारे में, तो ये मेरी आपकी रिक्वेस्ट है। आप बात करेंगे दोस्तों क्यों तुम टाइम टाइम पे मेरी एफिशिएंसी बढ़ाती हो, रिलायबिलिटी, विजिबिलिटी, फिर भी तुम कॉस्टली हो, क्यों, मतलब क्या क्वालिटी, तुम टाइम टाइम तो टाइम मैनेज टाइम कम लगता है, टर्नअराउंड टाइम कम लगता है, विजिबिलिटी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी बढ़ती है, और साथ साथ में कॉस्ट कम हो जाती है। अब यार हमारे जिंदगी में जितने भी थ्रेट्स आने सारे रिस्क को प्रोजेक्ट करो और उनके लिए पहले से प्लान करो, तो कौन से 8 स्टेप्स है, पहली बात तो इंटरनल एनवायरनमेंट बनाएंगे, टॉप मैनेजमेंट को अवेयर करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे हमें कहां पहुंचना है, उसके बीच में इवेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको असेस करेंगे, फिर टॉलरेंस यानी कि वो रिस्पॉन्स यानी उसको बोलते टॉलरेंस देखेंगे, जो हमारे टॉलरेंस के अंदर नहीं है उसे कंट्रोल लगाएंगे, ना कि सिर्फ कंट्रोल लगाएंगे उसको अवेयर करेंगे और लास्ट में मॉनिटरिंग करेंगे। और इन सबका फायदा क्या है, नहीं बताओ बेनिफिट्स क्या है, ईआरएम के बेनिफिट्स बताओ, रिस्क एपेटाइट एंड ग्रोथ ऑफ रॉस विल लीड टू मल्टीपल सरप्राइजेस एंड कैपिटल अपॉर्चुनिटीज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ, अभी ये सब आपको पता है, कैपिटल आपका कैपिटल सही जगह पे जाएगा, अपॉर्चुनिटीज एग्जांपल फ्लिपकार्ट विल लीड टू, स्टार्टिंग से बोलते हैं ग्रोथ, क्या स्टार्टिंग से बोलो, रिस्क एपेटाइट मतलब हम लोग वो उसी को बचाते हैं जो रिस्क हमसे एपेटाइट में नहीं आती, रिस्क कैपिटेट एंड व्हाट ग्रोथ, हम लोग उन्हीं रिस्क को आइडेंटिफाई करते जो हमारे ग्रोथ के बीच में आती, रास्ता तो हमने देख ले, और मल्टीपल हमें मल्टीप्राइज हम लोग मल्टीपल रिस्क को कवर करते हैं में, और सरप्राइज हमें बैड सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे, ये सब हमने देखा था। अब बात करो इसमें कौन से, अब देखो वल्नरेबिलिटी है तो क्या होगा, थ्रेट होगा, और थ्रेट है तो क्या होगा, एक्सपोजर। अब जब भी हम लोग क्या करते हैं रिस्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे और मिटिगेट करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट, जिसके अंदर वैल्यू होना चाहिए, जिसके जाने के बाद में बहुत थ्रेट होगा और लाने के लिए वापस स्किल टाइम लगेगा। और आप बताओ वायरस के लिए एंटीवायरस लगा दिए, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर मेजर। और अटैक किसको बोलेंगे, हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी को, जो हमारी सिक्योरिटी को जो पराजित कर दे और हम पे आक्रमण कर दे, उसको बोलते हैं हम लोग अटैक। अब बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, टॉयलेट मतलब क्या, हम उसको तभी बचेंगे जब हमारे रिस्क के ऊपर जा रहे हैं, हम उस चीज को करेंगे, हमारे मतलब डर लगता है उस गली में जाएंगे मत, दैट इज टर्मिनेट। ट्रांसफर इंश्योरेंस मतलब वायरस लाए तो अपने एंटीवायरस लगा दिए, इसको मिटिगेट बोलते हैं, और टर्न बैक आप उसके लिए सोचते ही नहीं हो, ओके आगे बढ़ेंगे। लास्ट में कंपोनेंट्स ऑफ, अब ये देखते हैं बिजनेस रिस्क, कौन सी बिजनेस रिस्क है, बिजनेस रिस्क में 6 बिजनेस रिस्क है, एक आइडिया के साथ में जो होता है स्ट्रेटेजिक रिस्क है, और अगर मान लो मेरी क्लास चल रही बिजली चलेगी तो ऑपरेशनल रिस्क, किंगफिशर के साथ में जो होता है फाइनेंशियल रिस्क, आप 26/11 को हम लोग हजार रिस्क बोलते हैं, और अगर मान लो मैं बात करता हूं सारे कंट्रोल लगाने के बाद में जो बच जाए उसको रिसोर्स रिस्क बोलते हैं। तो आपने कुछ इलीगल काम कर दिया या गवर्नमेंट ने आपको नोटिस दे दिया, आपने इनकम टैक्स नहीं भरा, जीएसटी नहीं भरा, ये सब क्या है, रेगुलेटरी रिस्क। अब बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कौन से 5 है, बोलो पड़ा, एनवायरनमेंट बनाएंगे, रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, कंट्रोल लगाएंगे और सबको अवेयर करेंगे, और लास्ट में मॉनिटरिंग करेंगे, ये 5 पॉइंट्स है। अब इसके इनहेरेंट लिमिटेशन कौन सी इंटरनल कंट्रोल की, इसके कॉस्ट बहुत लग जाती है, उसके बाद में इसका है कि इसके हमारे एम्प्लॉय से कोल्यूजन कर ले, एम्प्लॉय ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की, मैनेजमेंट ही फ्रॉड हो गया, और साथ साथ में इसके एक पॉइंट है कि हम अनयूजुअल चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सारी बात है। 3 टाइप के कंट्रोल कौन से, एक तो मैनुअल एग्जांपल सिक्योरिटी का, ऑटोमेटेड एग्जांपल वेबसाइट और बैंकिंग की वेबसाइट, और तीसरी बात वो सिक्योरिटी गार्ड भी लगा दिया और बजर भी लगा दिया मॉल में, ये सब हो गया। उसके बाद में आपको आगे देखो, पर एक क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए, जब मैं रिवाइज करा रहा हूं आप भी अकेले में करोगे तो क्वेश्चन को देख के आंसर एक बार रिकॉल कर लेना, एग्जामिनेशन के फाइनल एग्जामिनेशन लिखने से पहले एक टेस्ट जरूर दे देना, ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन लिखेंगे तो आपके हैंडराइटिंग वगैरह सब इंपॉर्टेंट है, आपका प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, समझे, डायग्राम चार्ट्स एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, आपके सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं होगा साहब, आपको इन सब चीजों का मिलावट करना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स डायग्राम्स चार्ट रफ स्केच थोड़ी सजावट, वाहियात लैंग्वेज वाहियात आपकी हैंडराइटिंग है नहीं चलेगा,
एमसीक्यूज में एक भी मार्क कम नहीं लाना, 30 में से मान लो 25 मार्क, एग्जाम्पल 25 मार्क भी आ गए तो 70 में से आपको कितने लाना है, सिर्फ 35। आप एग्जामिनेशन लाना बहुत आसान है, समझ में आया? जितना अमाउंट ऑफ टाइम हमें ईआईएस में लग रहा उतना एसएम में नहीं लगता, बहुत कम समय में हम लोग खत्म कर लेते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, आगे बढ़ना होगा। अब बात करेंगे रिस्क एंड कंट्रोल्स में, फिक्स्ड एसेट की चीज है, जल्दी बोलो यार, प्रोक्योरमेंट किया, रजिस्टर किया, हमने उसको एडजस्ट किया, हमने उसको ट्रांसफर किया, डेप्रिसिएशन एंड व्हाट, उसको बाद में डिस्पोज कर दिया। जनरल लेजर में जनरल एंट्री की, रिव्यू किया, उसको अप्रूव किया, उसको पोस्टिंग कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल गए, ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट किया, उसके बाद में प्लानिंग देगा, डेवलप किया और बाद में उसने छोड़ दिया ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेंटरी में लाया यानी प्रोक्योर किया, उसके बाद में उसको प्रोडक्शन किया और उसको फिनिश गुड्स बना दिया। उसके बाद में ऑर्डर टू कैश में, अब हमने हमको किसने ऑर्डर दिया तो ऑर्डर मिली, तो उसके बाद में क्या होगा, हमने शेड्यूलिंग किया, फिर उसका क्या किया, उन्हें शिपिंग किया, डिस्पैच किया, उसको उसको बिलिंग कर दिया और साथ में उसके बाद पैसे मिल गए उससे और रिकॉर्ड कर दिया। लास्ट में प्रोक्योर पे में अभी हमने चार्ज से देखे थे, अब हमने किसको ऑर्डर दी, अब हमने किसको ऑर्डर दी, तो क्या हुआ कि वो पहले तो परचेस डिपार्टमेंट के पास में आया, फिर उसने परचेस डिपार्टमेंट ने उसको वेरीफाई किया, फिर उसने ऑर्डर दिया, वेंडर से कोटेशन मंगवाया, फिर वेंडर से लिख किया, वहां से रिसीट हुआ, फिर बाद में हमने उसका पैसे पेमेंट कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं, पर इसको लिखने के लिए पांच स्टेप्स हैं। कौन से कौन से स्टेप्स लिखेंगे? रिस्क एंड कंट्रोल का डिफरेंस, मास्टर नॉन मास्टर का डिफरेंस, मास्टर वाला जो है मास्टर के रिस्क, मास्टर के कंट्रोल, ट्रांजेक्शन का रिस्क, ट्रांजेक्शन का कंट्रोल, आगे और लास्ट में बोलेंगे कौन से दो रेगुलेशन फॉलो करना है इंटरनल कंट्रोल के लिए। नंबर वन साइबर लॉ एंड व्हाट कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट दो सेक्शन, सेक्शन नंबर 143 और साइबर लॉ के फायदे कौन से कौन से, आपके लीगल रिकग्निशन ऑफ ईमेल, ई रिकॉर्ड्स एंड व्हाट डिजिटल सिग्नेचर, और ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए और साइबर सुरक्षा को कम करने के लिए। ऑफिसेज आपने देख लिए, प्राइवेसी मतलब आप सारे कंट्रोल लगा रहे ताकि डेटा डिस्क्लोज ना हो, और एसपीडी अगर वो डेटा डिस्क्लोज हुआ ना, यू विल बी लीगली लायबल फॉर पनिशमेंट। ये सारी चीजें हमने देख ली, इसी के साथ में चैप्टर खत्म हो गया। गाइस वी आर डन विद दिस चैप्टर एज़ वेल।